हरे कृष्णा। तो महाभारत के सीजन 2 में सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में भी हमने देखा महाभारत के 17 दिन में, और आज 18वां दिन है, कि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, जिसे पंचम वेद भी कहते हैं। वो वेद व्यास जी जो कि स्वयं विष्णु के अवतार है, व्यासाय रूपाय विष्णवे, व्यास रूपाय विष्णु, कि व्यास देव के जो हैं वो विष्णु के ही अवतार हैं। विष्णु पुराण में उनके स्वयं पराशर मुनि जो उनके पिता है, व्यास देव को कहते हैं मैत्रेय ऋषि, अपने मित्र मैत्रेय ऋषि की कहते हैं, प्रशंसा करते हुए, व्यास देव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कृष्ण द्वैपायनम विधि देवम नारायणम हरिम को भुवि मैत्रेय महाभारतम कृत भवे। कि हे मैत्रेय मुनि जी, ये महाभारत जिसमें सब कुछ है, आप देखोगे पॉलिटिक्स भी है, सोशियोलॉजी भी है, रिलेशनशिप भी है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है, म्यूजिक भी है, सब कुछ इस पंचम वेद महाभारत में व्यासदेव ने लिख दिया है, जो कि 1 लाख श्लोकों से बना हुआ। उसकी रचना वही कर सकता है स्वयं नारायण जो है, वो कृष्ण द्वैपायन। इसलिए हमारा जो महाभारत की जो हम आपसे चर्चा करेंगे आगे आने वाले 18 दिन, और 4 सितंबर से 25 सितंबर प्रत्येक दिन, सिर्फ रविवार को छुट्टी के अनुसार, उसमें मैं मुख्यतः वेद व्यास के लूंगा, क्योंकि हम देखते हैं बाहर बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी ये चीज है, ये चीज है क्या महाभारत में, तो और हम देखेंगे, क्योंकि कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं लोकप्रियता के रूप में लोक प्रसिद्ध तो हो गई हैं शायद, लेकिन वो व्यास देव के में नहीं है। तो ऐसे व्यास देव ने जो महाभारत की रचना की, आज हम उसके 18वें दिन पे हैं। थोड़ा सा पीछे का रिवीजन भी कर लेंगे जो लोग नहीं पहले देखे हो वो, और दूसरा आज एक ऐसा कहानी हम बताने जा रहे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिवनेस, आप फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट सीखोगे इसमें, इन रिलेशन से, कि कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ का हो, फ्रेंड का हो, दो फ्रेंड के बीच का हो, मास्टर और सबॉर्डिनेट के बीच का हो, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिवनेस का आज एक कहानी के रूप में जो महाभारत में बहुत लोक प्रसिद्ध है उससे सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो पिछले 17 दिनों में हमने देखा कि व्यास देव ने ये महाभारत क्यों रचना की, किस पर्पस से किया, उस पर 4-5 उन्होंने बताया कि मैं इसमें 6 चीज प्रमुख चीज सिखाऊंगा। और वो 6 चीज क्या था? पहला था कि क्या था, कोई बता सकता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। पहला चीज जो है वितुर की प्रज्ञा, गांधारी की धर्मशीलता, कुंती की धैर्यता, पांडवों की धर्म परायणता, पांचवा चीज कौरवों की, एक तरीके से हम देख सकते हैं धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों की तुष्टता और अधर्म, और सबसे महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और परम भगवान का वो साक्षात दर्शन। ये 6 चीज को रखते हुए व्यासदेव ने फिर आगे पेश किया कि मुख्यतः जो अधर्म का वृक्ष है वो कौन है? दुर्योधन है, और उसकी मूल शाखा कौन है? कर्ण है। इस कर्ण के नाम से हम लोग कई बार सोचते हैं कितनी सहानुभूति रहती थी कर्ण के प्रति। इसीलिए व्यास देव के महाभारत में ना तो सिर्फ ये मैथोलॉजी है और ना ये सिर्फ फैक्ट है, क्योंकि सिर्फ फैक्ट बताने से हमारे लाइफ में वो एक मैथोलॉजी जैसा ही वर्क करेगा, क्योंकि हम अपने दिनचर्या में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ होता भी है, लेकिन हर चीज याद नहीं रहता है, तो वो सब चीज भूल जाते हैं। तो ये महाभारत सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट डालता है, और वो आज हम देखेंगे एक और स्टोरी से। हर एक इसके एक एक स्टोरी में इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में। फिर हमने देखा व्यास देव ने कैसे जन्म हुआ उनका, उसके बाद हमने एक स्टोरी पढ़ी किसकी? शकुंतला और दुष्यंत की। व्यास देव की इस स्टोरी से हमें एक चीज ज्ञान सीखने को मिला, क्या है?
गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए। किसमें लेना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा में। क्यों? जैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं ले रहा हूं और मैं उनका इज्जत करता हूं, एज ए संस्कृत बहुत बड़े महान संस्कृत के आचार्य हुए हैं, कालिदास का आपने नाम सुना होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कालिदास का नाम नहीं सुना होगा। हिस्टोरियन कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, आप लोग अगर जानते होंगे, पीएचडी में उसको संस्कृत में पढ़ाया जाता है, अभिज्ञम शकुंतलम। और उनके अनुसार जो शकुंतला थी, उसका स्टोरी जो हम लोग पढ़ते हैं बचपन से, कि शकुंतला और दुष्यंत मिलते हैं, फिर दुष्यंत अलग हो जाते हैं, अंगूठी की कहानी उसमें आती है कि अंगूठी खो जाती है, मछली के पेट से निकलती है, उसमें उन्होंने एक शकुंतला को दुर्बल स्त्री के रूप में दिखाया, ठीक है, और उन्होंने थोड़ा सा उसको रोमांटिक बना दिया स्टोरी को, रोमांटिसाइज करने के लिए, ताकि और लोकप्रिय हो जाए। लेकिन कई बार इसीलिए सिर्फ ज्ञान होना जरूरी नहीं है। संस्कृत के विशेषज्ञ इतने बड़े महान आचार्य होते हुए भी, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं थे, कोई ये चार जो गुरु है ना, चार परंपरा में गुरु करिए और उनके मत में ना पढ़िए। कौन से चार संप्रदाय? रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ऐसे चार संप्रदाय के बिना अगर हम ज्ञान लेते हैं तो हमारा ज्ञान शायद अधूरा हो सकता है। इसका साक्षात प्रमाण हमको इस शकुंतला दुष्यंत की कहानी से मिलता है। उन्होंने क्या मिस कर दिया? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, शकुंतला और दुष्यंत की कहानी को सिर्फ रोमांटिक देने के लिए नहीं व्यासदेव ने प्रस्तुत किया था। शकुंतला और दुष्यंत की कहानी से व्यासदेव ये बतलाना चाह रहे थे कि परमात्मा भी एक साक्षी होता है, और परमात्मा किसके अंश है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण के। क्योंकि आपको याद होगा, दुष्यंत जब पहली बार शकुंतला से मिलते हैं उनके कंड मुनि के आश्रम में, तो वो दुष्यंत शकुंतला को बोलते हैं कि तुम बताओ शकुंतला, क्या तुम अपने परमात्मा को साक्षी रख के कहो कि तुम मेरे साथ संग नहीं करना चाहती? तो शकुंतला ने कहा हाँ मैं करना चाहती। उसी तरीके से जब शकुंतला भरी सभा में दुष्यंत को कह रही थी कि आप ही की मैं पत्नी हूँ और ये पुत्र भरत आप ही का पुत्र है, और आप भी अपने इस परमात्मा को साक्षी रख के कहिए क्या ये नहीं है आपका पुत्र? लेकिन जब हम स्टोरी को ट्विस्ट करने का प्रयास करते हैं, ये चीज मिस कर देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है गुरु शिष्य परंपरा में, हमारे शीला प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान लेने। तो ये व्यासदेव के जो कृत महाभारत है और जो तात्पर्य निर्णय है मध्वाचार्य का, उनको लेते हुए और गुरु शिष्य परंपरा में सुनने के अवसर के अनुसार मैं आपको जो भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें कहीं भी आपको कोई प्रश्न हो, कुछ भी डाउट हो कम्युनिकेशन में, आप कमेंट में लिख सकते हो, हमारे सचिव सुख प्रभु जी वो मतलब कि तुरंत मेरे को कहीं भी बीच में बोल सकते हैं। एक और चीज़ हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि बार बार नैरेटिव जो होता है ना, जो खास करके लिबरल मॉडर्न राइटर्स थिंकर्स वो चेंज कर देते हैं हमारे स्टोरी लाइन को चेंज कर देते हैं। जैसे कि इसमें देखा शकुंतला को कहते हैं, शकुंतला की स्टोरी को लेकर के कहते हैं कि हमारा धर्म जो है, हमारा शास्त्र जो है वो एक अबला नारी को दिखाता है, पर हमने देखा कि शकुंतला एक अबला नारी नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया, कर्ण जैसे जो कि हम देखेंगे आगे, क्या सही में वो दानवीर था? और हमने पहले भी देखा कि कैसे कैसे उसने लांछन लगाए स्त्री जाति पे, द्रौपदी पे, और उसको हटा करके हमने हिडन एजेंडा कुछ और बना लिया। इसलिए सिर्फ हमारी समझ ही सब कुछ नहीं होता। तो कहानी में हमने देखा कि कैसे फिर पुत्र उत्पन्न होते हैं, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के बाद भीम का जन्म होता है, क्योंकि अर्थ और बल साथ दोनों चलना चाहिए, धर्म और अर्थ। दुर्योधन 100 पुत्र उत्पन्न होते हैं, इधर इन दोनों कौरवों पांडवों में अलगाव बाध हो जाता है, और फिर दोनों को अलग अलग राज्य मिल जाता है। द्यूत क्रीड़ा जैसी महान भयंकर वो हमको देखने को मिला, उसमें भी हमने देखा कि कैसे कर्ण, दुशासन,
और दुर्योधन और शकुनि, ये चार लोग के सिर्फ आंख से आंसू नहीं बह रहे थे। और कैसे ऐसे लोग भी हमारे समाज में होते हैं, ये लोग जैसे विकर्ण जैसे लोग जो दिखाते हैं कि बहुत बड़े धर्मज्ञ हैं, पर वास्तव में वो कौन होते हैं, ये हमने सीखा। फिर हमने देखा कि ये जब पांचों पांडव और एक गुरु को उन्होंने नियुक्त किया था, वो है थौम ऋषि, थौम ऋषि की महानता हमने देखी। और इससे हमने एक और चीज़ सीखा कि हो सकता है फेसबुक यूट्यूब में बहुत से हमको लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत से हमें ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन हमारे जीवन में इम्प्लाई करने के लिए उसको प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे हम ला सकते हैं, उसके लिए हमको एक पर्सनल गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये हमने सीखा थौम ऋषि से कि कैसे जो थे हमारे धृतरा और युधिष्ठिर, पांचों पांडव और द्रौपदी जब वन में भटक रहे होते हैं, तो क्योंकि सारे ब्राह्मण भी उनके साथ चल रहे होते हैं, तो उनको चिंता होती कि भाई मैं कैसे इन ब्राह्मणों को खिलाऊं, तो वो अलग अलग ऋषि मुनियों से मिलते थे। लेकिन उन ऋषि मुनियों की बातों को सुनने के बाद वो निर्णय कैसे लेना होता है अपने जीवन में, वो धौम ऋषि बतलाते थे। जैसे धौम ऋषि ने कहा आप सूर्यदेव को आह्वान करो, और सूर्यदेव क्योंकि अन्न है, ब्रह्म अन्न, तो उस अन्न में भी ब्रह्म कृष्ण को देखने का क्या उन्होंने दृष्टि प्रदान किया, सूर्य को प्रसन्न करके उन्होंने अक्षय पात्र का प्राप्त किया। तो ये एक गुरु जो गाइडेंस होता है वो आपको सिखाता है। फिर हमने देखा कि विदुर जी आते हैं और विदुर जी कहते हैं कि धैर्य पूर्वक ये अपना जीवन व्यतीत करो। कई बार हमको लगता है कि धैर्य पूर्वक, पेशेंस मतलब इनएक्टिव, कुछ नहीं करना, नहीं, पेशेंस को हम इनएक्टिव गलत सेंस में लेते हैं। पेशेंस का मतलब होता है, धैर्य पूर्वक रहने का मतलब होता है कि धीरज पूर्वक सोचने का कि हमको क्या करना है। जैसे विदुर जी ने कहा अब ये 12 साल में तुम अपनी ताकत को बढ़ाओ युधिष्ठिर, सहयोगियों को बढ़ाओ, क्योंकि अगले 13वें साल में तुमको युद्ध करना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि सास बहुत ही कॉन्टेक्चुअल होता है, हम उसको एक वर्ष को इधर से निकाल कर दूसरे तरफ नहीं डाल सकते हैं। जैसे गाय का दूध धोना एक कला है, एक उसमें एक्सपर्टीज होता है, अगर दूध धोने नहीं आता है तो खून भी निकाल सकते हैं या दर्द पहुंचा सकते हैं गाय को। उसी तरीके से सास इतने कॉन्टेक्चुअल होते हैं, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ बढ़ते हुए आज का जो प्रसंग है, जो कि वन पर्व चल रहा है, हमने पहले भी बताया 18 पर्व है, कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं महाभारत में, ठीक है। हमने आदि पर्व पूरा देख लिया, अभी हमारा जो चल रहा है वो है वन पर्व। क्या चल रहा है? वन पर्व। इस वन पर्व के आज जो कहानी है 52 चैप्टर से लेकर 79 चैप्टर, ये आज कुछ विशेष कहानी है। ये शायद आपने कभी किसी महाभारत सीरियल में देखा नहीं होगा, और कभी शायद सुना भी नहीं, सुना होगा कि नहीं होगा, पर इसको गलत तरीके से सुना होगा। हम इसमें जो व्यास देव और मध्वाचार्य जी और पूर्ववर्ती आचार्यों की जो भी उनका जो दर्शन है उसको प्रस्तुत करेंगे मंगलाचरण करते हुए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। तो आज का जो वन पर्व का चैप्टर है 52 से 79, तो जैसे हमने पिछली बार देखा था अर्जुन जाते हैं अस्त्र और शस्त्र प्राप्त करने के लिए उत्तर की तरफ, रास्ते में उनको शिव जी से पशुपात अस्त्र मिलता है, पशुपात अस्त्र लेने के बाद वो इंद्रलोक जाते हैं। इंद्रलोक में वो क्या सीखते हैं? नृत्य भी सीखते हैं, वाद्य भी सीखते हैं, म्यूजिक सब चीज सीखते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र को पता था कि 13वें वर्ष के अज्ञात वर्ष में अर्जुन को जरूरत पड़ेगा, अर्जुन वो सब सीखते हैं। फिर हम देखते हैं उर्वशी, क्या कैरेक्टर था अर्जुन का, हमने डिफरेंस देखा था। एक तरफ कर्ण जो कि स्त्री जाति को इतना गलत बोलता है, इतना भद्र बोलता है, द्रौपदी को वेश्या बोलता है, नग्न करने का प्रयास करने को बोलता है, वही अर्जुन उर्वशी काम से पीड़ित होकर के अर्जुन के पास आती है और अर्जुन से कहती है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो। अर्जुन एक्सेप्ट नहीं करता है, कहता है कि मैं तो आपको माँ के समान देखता हूँ।
ये रहता है डिफरेंस अर्जुन और, इसलिए अर्जुन वास्तव में एक महान ग्रेटेस्ट आर्चर है, कैरेक्टर वाइज भी और सही में स्किल वाइज भी। तो ये चीज, तो जब अर्जुन पहुंच गए होते हैं क्या होता है, सास हमारे धर्म सास खास करके महाभारत जैसे ग्रंथ ये वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। युधिष्ठिर महाराज काम्य वन में धौम्य ऋषि और अपने तीन भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ बैठे हुए हैं। जब दुख बहुत होता है ना तो कई बार बड़े बड़े आदमी भी टूट जाते हैं, तो इसमें स्वाभाविक है कि रोना आता है। लेकिन आर्टिफिशियली अगर हम करें उस चीज़ को, दुख को रोकने का प्रयास करें, तो वास्तव में वो होता नहीं है। जैसे किसी ने एक बार पूछा मेरे से कि क्यों इतना पीपल, जो पर्सन होता है, जो आदमी होता है, उसी को हार्ट अटैक क्यों आता है। तो लोग कहते हैं कि अरे इतना स्त्रियों से सताए हुए, अपने पत्नियों से सताए हुए रहते इसलिए उनको हार्ट अटैक पड़ जाता है। वो तो ठीक है, जोक पार्ट हो गया, लेकिन आप देखो कि जो पुरुष होता है, खास करके जो मैन लोग होते हैं, वो अपने फीलिंग को दबाते हैं, खास करके वो रोना, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि रोना भी एक क्या है ना, मतलब कि एक वो मतलब कि नपुंसकता या मतलब कायरता कावर्डिस है, तो इसलिए वो अपने रोनेपन को दिखाते नहीं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज रोने लग जाते हैं और रो रो कर सोचने लग जाते हैं कि मेरा क्या चला गया, पूरा धन गया, मेरा देश गया, मेरी पत्नी को नग्न करने का प्रयास किया गया, और अभी अर्जुन भी नहीं है, क्योंकि अर्जुन को पता नहीं किस स्थिति में है, क्या तपस्या कर रहा है, कब वापस आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, ऐसी अनिश्चितता में, अनसर्टेनिटी में स्वाभाविक है जो उनके अंदर जो दबा हुआ था दुख वो ऊपर उठ जाता है। और जब भीम इस चीज़ को देखता है तो भीम फिर से कहता है कि हे युधिष्ठिर भैया, हमको अभी चलना चाहिए युद्ध करने के लिए। युधिष्ठिर महाराज देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, युधिष्ठिर महाराज, हम आज जो फॉरगिवनेस बात करेंगे ये रिलेशनशिप में, युधिष्ठिर महाराज जो फॉरगिवनेस की बात कर रहे थे वो दूसरा सेंस में है, ठीक है ना। और जो लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अहिंसा ही सिर्फ परम धर्म नहीं है, धर्म में भी हिंसा भी परम धर्म हो जाता है जब जरूरत पड़ती है। युधिष्ठिर महाराज क्यों फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वो जानते हैं धर्म बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही सटल है, इसको समझने का प्रयास करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तहत बताया था, दो बच्चे हैं, ठीक है ना, मान लो एक बच्चे ने कुछ खीर गिरा दिया दूसरे बच्चे का, तो पहला बच्चा जिसने गिरा दिया खीर उसको क्या सोचना चाहिए कि मेरे से गलती हुई है, दूसरा बच्चा जिसको खीर नहीं मिला उसको क्या सोचना चाहिए, शायद मेरे भाग्य में खीर नहीं था। पर होता क्या है, उल्टा, वो कहता है तुम कायर हो, तुम केयरलेस हो, तुमको देख के नहीं चलने आता है, और दूसरा वाला कहता है अरे तेरे भाग्य में नहीं था। तो देख लो, दोनों अलग धर्म निभा रहे हैं, दोनों एक दूसरे का धर्म निभाने लग गए हैं। यहाँ पे जो फॉरगिवनेस, इसीलिए कौन कब किस समय बोलना है ये बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहूंगा धर्म बहुत कॉन्टेक्चुअल है, देश काल पात, आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे महाभारत में बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लगेगा, पर कॉन्ट्राडिक्टरी है नहीं, बहुत कॉन्टेक्चुअल है। कभी कभी मैं फॉरगिवनेस को कहूँगा महान है, फिर मैं कहूँगा फॉरगिवनेस महान नहीं है, क्योंकि जैसे प्रहलाद महाराज से भी पूछा था किसने, बलि ने, कि दोनों महाजन हैं, क्या जस्टिस इम्पॉर्टेंट है या फॉरगिवनेस। उन्होंने कहा कोई दोनों महान नहीं है, समय के अनुसार जस्टिस महान हो जाता है, समय के अनुसार फॉरगिवनेस महान हो जाता है, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है जीवन में। युधिष्ठिर महाराज क्यों फॉरगिवनेस की फिर बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका धर्म क्या है, उनके साथ व्यतीत हुआ है, उनके साथ जीवन व्यतीत हुआ है, क्या वो कष्ट वो भोग रहे हैं, कौन, युधिष्ठिर महाराज। इसलिए वो भीम को कहते हैं हमें रुकना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, समय आने पे हमें लड़ेंगे, ये फॉरगिवनेस युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। भीम को लड़ने के लिए इतना उतावला है, हमको लगता है अरे भीम हमेशा विम्सिकल नेचर का, नहीं, भीम क्यों लड़ने का, ये बहुत सटल पॉइंट है, आप समझने का प्रयास करिएगा। भीम क्यों लड़ना चाहता है,
भीम इसलिए लड़ना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि जैसे कोई बच्चा अगर सो रहा है ना, या कोई बच्चा मतलब कि बहुत आलसी है, तो अब उसको आलस्य से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको इतना ज्यादा वर्क देते हैं कि उसका आलस्य हटे। एक्सप्लॉयटेशन मेंटालिटी नहीं होता है उसका आलस्य हटाने के लिए। उसी तरीके से भीम को पता है ये हर समय दया दया क्षमा क्षमा करते रहते हैं, तो वो चाहता था कि कम से कम ऐसा ना हो कि 13 साल के बाद भी युधिष्ठिर क्षमा कर दे। इसलिए वो कहता है कि 13 दिन में ही चलो लड़ जाते हैं, सास की अनुमति देता है। समझो, अब भीम की बात को समझने का प्रयास करो, आपको ऐसा लगेगा अरे भीम हमेशा लड़ने को तैयार रहता है। नहीं, भीम इसलिए लड़ने की बात कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला हमेशा क्षमा करता रहता है, तो इसलिए वो ये कहना चाहता है कि 13 साल के बाद तुम क्षमा नहीं करोगे। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज क्यों क्षमा की अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जीवन व्यतीत हुआ है। ठीक है, उनके साथ वो हो रहा है, लेकिन 13 साल के बाद देखेंगे कि वो क्या करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो फॉरगिवनेस की अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सामने वाला जो है भीम और ये अभी क्रोध में है, तो इसलिए वो वहां पे क्षमा की बात कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था। हाँ, तो भीम बोलता है कि युद्ध करने के लिए युधिष्ठिर महाराज मना करते हैं। उसी समय ऋषि आते हैं वहां पे, जहां पे ये लोग काम्यवन में बैठे होते हैं। बृहदस्व से एक प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर महाराज कि आप तो ऋषि मुनि हैं, आप तो पूरे ऋषि मुनि क्योंकि घूमते रहते हैं पूरे नगर पूरे देश में, क्या मेरा फिर वो अपना जीवन का व्यतीत करते कि मेरे साथ क्या क्या हुआ युधिष्ठिर महाराज, और बोलते क्या मेरे जैसा या मेरे से भी अधिक कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुखी था इस जगत में पहले या अभी, ऐसा कोई व्यक्ति हुआ क्या मेरे जैसा दुख जिसको पड़ा हो। देखो, एक और चीज हम बताने का प्रयास करेंगे, फॉरगिवनेस से आया हमारा शास्त्र। कई बार मेरे से पूछते हैं खास करके यूथ लोग कि आपके सास में भी तो बहुत चीजें गलत दिखाया गया है, जैसे कि इंद्र ने अहिल्या के साथ गलत किया, फिर बृहस्पति ने अपनी ही भाई के पत्नी के साथ गलत व्यवहार करने का प्रयास किया, ऐसे बहुत सी चीजें हम पाते हैं। तो जब आपके सास में ही इतना गलत गलत चीज है, तो फिर हम क्यों माने धर्म सास ये सब सनातन धर्म को। दो चीज इसमें समझने का प्रयास करिएगा। पहला चीज, हमारे साथ में कुछ चीजें डिस्क्रिप्टिव होते हैं। क्या चीज होते हैं? डिस्क्रिप्शन दिया होता है, वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता, बट दे आर नॉट प्रिस्क्रिप्शन, नॉट प्रिस्क्रिप्शन। कहने का मतलब है वो कहानी के रूप में वो बताया गया है, पर वो प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता कि वो चीज तुम करो। ठीक है, जैसे जरासंध का बलि दे रहा था, नर बलि, वो बताया गया है शास में, क्या बताया गया, दिखाया कि ऐसा जरासंध करके नर बलि करता था, पर ये नहीं कहा जा रहा कि नर बलि आप भी करो। समझो, पहला चीज। फिर ये डिस्क्रिप्शन देते क्यों थे, यही तो सनातन धर्म की महानता है। तीन चीज समझने का प्रयास करिएगा इसमें। पहला चीज, सनातन धर्म की महानता ये है कि वो कभी किसी चीज को छिपाता नहीं, जो एज ए फैक्ट है। जैसे व्यासदेव ने अपना जीवन एज ए फैक्ट बताया, व्यासदेव ने महाभारत में एज ए फैक्ट बताया क्या चीज है क्या चीज नहीं है, कोई चीज भी छिपाया नहीं। क्योंकि कई बार हिस्टोरियन जो होते हैं, जो विक्ट्री साइड के होते हैं, वो सिर्फ अपनी अच्छाई दिखाते हैं, जो लूजर साइड वाला होता है वो सिर्फ अपना एक्सप्लॉयटेटिव मेंटालिटी दिखाता है कि मेरे के साथ कितना एक्सप्लॉयटेशन किया गया। व्यासदेव और रामायण के वाल्मीकि जैसे महामुनि ऋषि, यही है महामुनि किते किं वा परे ऋषिवर, ऐसे महामुनि है ये लोग। ये लोग कुछ नहीं छिपाते हैं, एज ए फैक्ट न्यूट्रल जो चीज तथ्य है उसको डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन फिर भी लिबरल लोग इसको नहीं मानते। तो क्यों डिस्क्राइब करते हैं सनातन धर्म? ये सनातन धर्म की महानता है, वो बताता है कि पहला चीज जो क्या क्या चीज हुआ, तो ट्रू फैक्ट की तरह वो पेश कर देता है। दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्यों डिस्क्राइब करता है, बड़े बड़े लोग भी गलती करते हैं। क्या करते हैं? बड़े बड़े लोग भी गलती करते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है ड्यूअलिटी का वर्ल्ड है, ऐसा है द्वंद्व का जगत है। यहाँ पे खुशी में भी आपको गम का कुछ महसूस होगा, गम में भी थोड़ा सा खुशी की आनंद आएगा। ये व्यास देव और वाल्मीकि ऋषि अपने
आचार्यों ने इसमें प्रस्तुत किया। तीसरा चीज बहुत मुख्यतः, एक इंसिडेंट से किसी को हम जीवन भर के लिए निगलेक्ट नहीं करते हैं, ये डिफरेंस कर देता है, मैं ओपनली बोलूंगा, इसमें हमारे और दूसरे धर्म के बीच में अप्रामाणिकल धर्म, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, आप नहीं पाओगे हमारे जैसा साहस जिसमें आप देखोगे। कई बार लोग बोलते ना, अरे ये साधु श्राप दे देते थे और फिर उसको ये भी कहते थे कि क्षमा भी करते थे कि ऐसे ऐसे रास्ता निकलेगा, हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या सुने दिन भर, हम तो लिबरल लोग का सुन रहे हैं, मॉडर्न राइटर का सुन रहे हैं, ठीक है, लेफ्टिस्ट लोग का दिमाग चल रहा है, हमारे दिमाग में उन्हीं लोग का आइडिया भर गया है, आइडियोलॉजी, तो हमको उन्हीं पे सत्य लगता है। कभी हम ये जान के नहीं पढ़ते कि धर्मशास्त्र पढ़े, अरे कम से कम पढ़ते नहीं हो तो कम से कम जो पढ़ाना चाह रहे उसका बात सुनो। इंसिडेंट क्यों ऐसा होता था हमारे शास्त्रों में, किसी को जीवन भर के लिए गलत नहीं करते थे। अरे रावण का मृत्यु हो गया तब पर भी राम ने कहा विभीषण से कि इसका तुम अंतिम संस्कार करो, क्योंकि हमारे शास्त्र में हमको ये बतलाया जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा सच्चिदानंद होने की वजह से, उस भगवान कृष्ण का अंश होने की वजह से वो हमेशा के लिए गलत होगा नहीं। हो सकता है इस शरीर में उसने बहुत बड़ा अत्याचार करे, गलत करे, लेकिन उसको एक मौका देते हैं भगवान की, अब सुधर जाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भगवान क्या कहते, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। कि मैं बार बार आता हूँ, किस लिए आता हूँ कि शायद हम जीवात्मा को एक अवसर देते हैं कि फिर से शायद सुधर जाएंगे, फिर से सुधर जाएंगे। तो हमारे में ऐसा नहीं होता है कि ऑन अ जजमेंट डे इटर्नली देखा जाएगा कौन हेवन जाएगा कौन हेल जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आवर कॉन्सेप्ट इज लाइक सर्कुलर। और एक और चीज हमारा सास ये बतलाता है, जैसे कई लोग कहते हैं युधिष्ठिर महाराज ने गलती किया, हाँ किया, गलती किया, द्यूत क्रीड़ा खेला, गलती किया, लेकिन आप एक इंसिडेंट से क्या युधिष्ठिर महाराज को ये कहोगे कि वो गलत थे, और फिर आप दुर्योधन और दुशासन की तारीफ करोगे? अब वो देखो ना, एक क्योंकि महाभारत ये सास हमें यही सिखलाता कि भौतिक जगत में आइडियल चीज होता ही नहीं है, जो आइडियल बनने का प्रयास करता है वो अलग हो जाता है, वो वास्तव में इतना क्रूर निकल जाता है आइडियल के बाद, क्योंकि वो आइडियल चीज होता ही नहीं, इट इज ए इल्यूजन, वो इल्यूजन है, ये भौतिक जगत है, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी रहना पड़ता है, गलती होता है आप पर, वो देखो कि उन्होंने एक गलती किया, यहाँ पे पश्चाताप कर रहे हैं, दूसरा चीज दुख भी भोग रहे हैं, उसका कष्ट भी भोग रहे हैं, उसके बाद क्या किया, उसके पहले का जीवन देखो, हमेशा धर्म किया, तो होता है गलती। ये हमें साथ सिखलाते कि बड़े बड़े लोग गलती भी करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो गलती करते तो उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनके जीवन को देखो, एक इंसिडेंट से उसके कैरेक्टर को मत जज करो, क्योंकि एक इंसिडेंट से अगर हम किसी के कैरेक्टर को जज करेंगे तो हम खुद ही दुखी हो जाएंगे, फिर हम आइडियल हम अकेले पाएंगे, ऐसे तो गलती हर कोई करता है, फिर हम भी गलती करते हैं हजार, तो ये चीज है। लेकिन दुर्योधन के केस में आप देखो, हो सकता है एक अच्छा किया है, अच्छा ये भी है, लेकिन उसका पूरा पूरा सर्कमस्टेंसेस देखो, जीवन भर वो जीवन भर ऐसा लोग कहते हैं अरे द्रौपदी ने उसको बोल दिया या भीम ने ऐसे बोल दिया तो उसने बदला दिया, ऐसा नहीं है। ये हम लोग को लेफ्टिस्ट लोगों ने समझा के रख दिया कि ऐसा है, अरे वो पहले ही दिन से, मैंने आपको पढ़ाया ना महाभारत में, पहले ही दिन से वो क्या था, ईर्ष्यालु था, किससे, भीम और युधिष्ठिर लोग से, अर्जुन से ईर्ष्यालु था कर्ण। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे उन्होंने बोल दिया अंधे का पुत्र अंधा, या वो पानी में गिर गया तो हाल दिए तो इसलिए बदला लेना चाहिए, वो आपकी मूर्खता है, वो आपकी सोच हो सकती है, महाभारत की ये सोच नहीं है। महाभारत ये बतलाता है कि उसके अंदर पहले ही से वो द्वेष भरा था, वो पहले ही से द्वेष भरा हुआ था, वो द्वेष निकल रहा था, तो इसलिए सहानुभूति नहीं रखना चाहिए दुर्योधन और कर्ण के प्रति। हम देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में भी, अभी बहुत कुछ है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, जिसको हम महाभारत के दृष्टि से जो वेद व्यास जी ने, जो आचार्यों ने दिया है, वो मैं प्रयास करूंगा करने का। फिर भी अगर आपको नहीं समझना है तो आप जा सकते हो, लेफ्टिस्ट लोग खाली बैठे हैं, वो आपको पूरा समझाते रहेंगे, उनका आप बुक पढ़ सकते हो। तो ये चीज है, तो आज का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये फॉरगिवनेस इन रिलेशनशिप, मैं बार बार बोलूंगा ये फॉरगिवनेस हम जो बताने वाले हैं रिलेशनशिप में, ठीक है ना, इसको हम ऊपर, मतलब कि आज जो मैं फॉरगिवनेस के बारे में बात करूंगा,
हो सकता है कल मैं कहूंगा कि फॉरगिवनेस खराब है, जस्टिस है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर टाइम जिसके अनुसार ये रिलेशनशिप पे चल रहा है, ठीक है ना। तो जब ये प्रश्न किया किसने, युधिष्ठिर महाराज ने, कि मेरे से भी कोई दुखी है, बृहदेश्वर ने कहा सुनो युधिष्ठिर एक इतिहास सुनाता हूँ, और वो इतिहास क्या है वो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ। हर एक पॉइंट पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपने पहले नहीं सुना होगा। नल दमयंती की कहानी है, इसको रोमांटिक स्टोरी की तरह लोगों ने पेश किया, मूवी भी बना है, लेकिन मैं आपको धर्म के सिद्धांत बताने का प्रयास करूँगा, और आपके जीवन में जो प्रैक्टिकलिटी है, जैसे रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो देखते हैं बचपन में भी, अभी भी, और शायद बूढ़े में भी देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप हो, फ्रेंड फ्रेंड के बीच में रिलेशनशिप हम देखेंगे। तो क्या होता है जैसे रिलेशनशिप, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा हमको दुख किससे होता है, जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उसी से सबसे ज़्यादा हर्ट होने का प्रयास होता है। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ करके, खास करके मैंने ये पाया है, कई बार कुछ माता जी लोग बोलती है कि प्रभु जी बहुत दिक्कत हो रहा है, हम आपके आश्रम में आके रहते हैं, गुरुकुल में मस्त रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, ठीक है, वहाँ पे भगवान की चर्चा करेंगे, यहाँ पे इतना टेंशन है कि क्या करें, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो सब मस्त है, ठीक है ना, दूर का ढोल सुहाना। देखिए ऑक्यूपाइन करके जीव होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, ऐसे ऐसे उसके कांटे निकले होते हैं, है ना, देखा होगा, ऑक्यूपाइन उसको कहते हैं, हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये जीव के क्या होते हैं, कांटे होते हैं, वो चुभता है बहुत ठंडी, शाही बोलते हैं, शाही, हाँ शाही 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 बोलते हैं। तो शाही क्या होता है ना, बहुत ठंडे में वो लोग आपस में एक साथ आते हैं, क्योंकि गर्मी लेने के लिए बहुत, जैसे मानो साइबेरिया वाइबेरिया सब कंडीशन में, तो आप सोच रहे हो साथ में आएंगे तो दोनों एक दूसरे को पोक करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को चुभाएंगे सूर्य की तरह, लेकिन साथ में आएंगे तो वार्म्थ मिलेगा लेकिन चुभना भी पड़ेगा। उसी तरीके से कई बार हम दो भक्त या पति पत्नी या कोई भी रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ हो गया, ब्रदर एंड सिस्टर, मदर एंड फादर, कोई भी साथ में आते हैं तो थोड़ा सा लव भी होता है, प्रेम भी बढ़ता है, लेकिन हमको समझना चाहिए थोड़ा सा ये भी आएगा क्या, पोकिंग एक दूसरे का। अब अगर आप कहोगे हम अकेले ही रहेंगे तो फिर शायद वो प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज था, तो ये मैं इसलिए बता रहा था, ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ स्टोरी का, क्योंकि नल दमयंती का स्टोरी सिर्फ रोमांटिक स्टोरी नहीं है, तो कारण है, हर एक पद पे ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं, बृहदस्व कहते हैं कि नल करके एक राजा थे, कहा के निषदराज करके एक देश था, निषदराज, ठीक है ना, वहां के राजा हुए हैं वीर से, अगर मैं गलत ना हो तो, ये आपको वन पर्व के 52 चैप्टर से है, मैं पूरा महाभारत से लूंगा, कोई स्टोरी नहीं, कोई मूवी के स्टोरी से नहीं, क्योंकि उन लोगों ने क्या बताया मेरे को, मैंने देखा है वो सिर्फ रोमांटिक स्टोरी बना के रखते हैं। निषदराज करके एक देश था, और निषद देश एक्चुअली में वहाँ के राजा वीरसेन हुए हैं, वीर उनके एक पुत्र हुआ नल, कौन हुए, नल करके राजा हुए, ठीक है, इधर विदर्भ करके, अगर महाराष्ट्र में आप जानते हो कि विदर्भ करके राज है कुंडलीपुर, यहाँ पे थी रुक्मणी जी का बर्थ भी हुआ है, तो उस विदर्भ देश के एक राजा थे, इनका नाम था भीम, और उनकी पुत्री हुई दमयंती, क्या हुई, दमयंती। अभी दोनों के चरित्र के बारे में थोड़ा सा बतला देता हूँ। नल ऐसे राजा थे, रूपवान थे, मतलब कि रूप में बहुत बड़े महान थे, ठीक है, सत्यप्रायण थे, सदाचारी थे, सत्यप्रायण थे, सत्यवादी थे, एक कला बहुत जबरदस्त जानते थे, जानते क्या, हॉर्स राइडिंग, क्या, हॉर्स राइडिंग उनको बहुत जबरदस्त आता था, मैं आपको बताऊंगा उनका हॉर्स राइडिंग भी दिखाऊंगा अपने लेक्चर में, बताऊंगा कैसा उन्होंने हॉर्स राइडिंग किया। और थोड़ा सा देखो कितना, मतलब कि मुनि ऋषि लोग कहानी भी कैसा देते थे,
नल क्या थे, थोड़ा उनका रुचि था किसमें बता सकते हो? द्यूत में। अभी देख रहे हो सिमिलैरिटी, देख रहे हो थोड़ा बहुत लग रहा है ना कि युधिष्ठिर महाराज जैसा ही कहानी है। ये होते हैं आचार्य लोग। उन्होंने पूछा मेरे से सबसे ज्यादा दुखी कौन है? वो तो बहुत लोग हो सकते थे, बहुत सी स्टोरी बता सकते थे। उन्होंने वो स्टोरी बताया जो कि युधिष्ठिर के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, हम वो देखेंगे आगे स्टोरी, पहला चीज। दूसरा चीज, उन्होंने इसलिए स्टोरी बता रहे हैं क्योंकि कई बार जब हम सुनते ना कि वो मेरे से ज्यादा दुखी भी कोई लोग हैं, जैसे उंगली अकट जाए तो हमें वो देखना चाहिए किसी का हाथ नहीं है, तब हमको पता चलता है कि सही में हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास बहुत, मतलब कि बहुत कुछ है। तो इसलिए बहुत ही सुंदर थे, बहुत सुंदर थे उस समय के राजा, और बहुत ही धर्मपरायण से राज्य करते थे। इधर दमयंती की कहानी में ये आता है, आप पढ़ लेना, साधु होकर के मेरे को नहीं बोलना है। दमयंती के रूपवती के ऊपर में तीन चार श्लोकों में वर्णन किया है व्यासदेव ने कि कैसे इतनी सुंदर थी कि कहते कि उस समय ना स्वर्ग लोक की अप्सरा भी दमयंती की जैसी सुंदर नहीं थी, इतनी सुंदर दमयंती थी। तो अक्सर लोग चर्चा करते थे, जैसे नहीं लोग चर्चा करते हैं, अरे ये एक्टर सबसे कितना हैंडसम है ना, और ये एक्ट्रेस कितना एकदम जबरदस्त है। तो वैसे लोग चर्चा करते थे, नल बहुत सुंदर है, दमयंती बहुत सुंदर है। तो स्वाभाविक है कि सुंदर व्यक्ति सुंदर स्त्री चाहता रहता है, सुंदर स्त्री सुंदर व्यक्ति, रूपवान, ठीक है ना। तो दमयंती को लगा कि अच्छा नल इतना सुंदर है, तो वो थोड़ा सा आकर्षित होने लग गई। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना भगवान के बारे में डेली सुनना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। नल भी दमयंती के बारे में सुनने लगे तो स्वाभाविक है उसके प्रति उसकी आकर्षण बढ़ गया। एक दिन नल ने देखा हंस, हंस मतलब समझो स्वैन, गोल्डन स्वैन, कैसे कभी देखा है? हंस तो पहले देखने को नहीं मिलता है, ऊपर से गोल्डन स्वैन। वो नल ऐसे निकले थे हॉर्स राइडिंग करते हुए, तो उन्होंने देखा हंसों को, तो वो पकड़ना चाहे तो कुछ तो भाग गए, एक को उन्होंने पकड़ लिया, एक को पकड़ लिया, तब वो हंस उनसे बोलने लग गया। सोचो मनुष्य के भंस में बोलने लग गया, मनुष्य के वाणी जैसा कि मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं आपका बहुत बड़ा उपकार करूंगा। तो नल ने कहा तुम मेरा क्या बड़ा उपकार करोगे? कहा कि मैं दमयंती के पास जा करके आपकी गुणों की व्याख्यान करूंगा, जिससे कि दमयंती आपके प्रति और आकर्षित हो जाए और आपसे विवाह करने को तैयार हो जाए। हंस नल ने कहा ठीक है भैया, मैं भी सोच ही रहा था दमयंती के बारे में। दमयंती के पास जाता है वो हंस, हंस दमयंती को नल के रूप के बारे में वर्णन करता है कि कितने सुंदर हैं, उनके गुणों की व्याख्यान करता है कि कितने धर्मपरायण हैं, कितने सत्यवादी हैं, उनके चरित्र के बारे में वर्णन करता है, उनके राजकार्य के बारे में वर्णन करता है, उनके कुशल के बारे में वर्णन करता है, उनके सौंदर्य, उनके सारे चीजों के बारे में, ऐसा लगभग 10-12 श्लोकों में वर्णन करता है। ये सुन करके दमयंती को आकर्षण बढ़ जाता है और दमयंती भी उस हंस को भेजती है नल के पास कि तुम भी जाओ और उनको भी मेरे गुरु रूपों का वर्णन करना। इस तरीके से वो मैसेंजर बन जाता है, कभी इधर जाता है, कभी पहले कबूतर था, मतलब एक कबूतर आ गया था, उसी तरीके से तो मैसेंजर हो गया, वो आता था इसके वर्णन करता था, वो आता था इसके वर्णन करता था। क्या हो गया दमयंती को, फिर उसको बहुत ही मतलब कि अब तीव्र इच्छा हो गई कि मेरे को अब नल से विवाह करना ही है। अपने पिता को बोलती है भीम को कि आप, मैं युवती हो गई हूँ तो मेरा विवाह करना चाहिए। तो भीम ने दमयंती का स्वयंवर रखा। अभी सोचो दमयंती का स्वयंवर है तो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे थे। इधर स्वर्गलोक में है, इनको पता चलता है, इंद्र लोग को भी, इंद्र को भी कि आजकल कोई हमारी सभा में आ नहीं रहा, सब कहाँ गए हुए, गायब कहाँ हैं सब लोग, कोई बैठा हुआ नहीं रहा है। तो पता चलता है कि दमयंती का स्वयंवर हो रहा है, तो कहते कौन है दमयंती, तो फिर उनके दोस्त लोग पूरा रूपों का व्याख्यान करने लगते हैं। तो इंद्र भी कहते चलो भाई हम भी स्वयंवर में चलते चलते हैं। तो इंद्र अग्निदेव, वरुण देव पानी के जो जल के देता है,
और यमा यमरा सप्तम, तो ये चारों देवता भी चलने लगते हैं कि स्वयंवर के लिए। रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो इतनी जोरों से, जैसे कई बार कोई गाड़ी नहीं होता, कुछ गाड़ी एकदम ऐसे जाता निकलता है तो हम लोग का अचानक से ऐसे ध्यान पड़ता है, अरे कौन चला रहा है भाई, तो उस तरीके से धुना, ये है उनका नल का हॉर्स राइडिंग। सौ मतलब कि ऐसा गाड़ी चलाते थे, हम बताएंगे, बस अभी बता देता हूँ कि जब वो राजा ऋतुपूर्ण को लेके जा रहे होते उनका उतड़ी गिर जाता है ऐसे, तो वो कहते हैं कि अरे अरे रुको रुको रो रथ उतड़ी वापस ले लेता हूँ, तो महाराज वो 100 किलोमीटर दूर छूट गया। सोच रहे हो, ये महाभारत में मैं अपने झूठ में चार कोस ऐसे लिखा है कुछ, तो चार मिनट सोच रहे हो कितना सेकंड में, मात्र क्षण भर ऐसे लिखा है, कितना तेज चला रहे होंगे, ऐसा मिल जाए तो कितना जबरदस्त हो जाए ना, तुरंत पहुंच जाए जहां वहां पहुंचने का हो, ऐसा ड्राइवर भी हो जाए तो ये ऐसा जब चला रहे होते हैं, ये चारों देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते, भाई कौन चला रहा है ऐसा। तो देवता लोग उसको रोकते हैं, तो कहते तुम तो बहुत जबरदस्त ड्राइवर हो, कहाँ जा रहे हो, तो बताते कि वो बोलता नहीं है कुछ। ये चारों देवता समझ जाते हैं तो नन है, तो वो कहते हैं कि सुनो मैं इंद्र हूँ, वो अपना परिचय देते हैं, मैं अग्निदेव हूँ, वरुण देव हूँ, यमराज, तुम दमयंती के पास जाओ और कहो कि हम चारों में से किसी एक से विवाह कर लें। नल कहते हैं कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्वयं जा रहा हूँ, पर इंद्र कहते हैं कि क्या आप देवताओं का आज्ञा का पालन नहीं करोगे, बहुत सत्य प्राण थे हमारे, तो नहीं कि देवी देवताओं का बेइज्जत कर देते थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको मैंने तो, आप मेरे पूजनीय है, मैं जाता हूँ पर मैं अंदर कैसे घुसूंगा, क्योंकि भाई रानी की सभा है उसके अंदर तो पूरे दरबारी लोग होंगे। उन्होंने कहा हम तुमको पहुँचा देंगे, उन्होंने ऐसे उठाया और नल को दमयंती के कक्ष में डाल दिया। दमयंती ने जब देखा तो उसने पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने बोला कि मैं नल हूँ। वो तो एकदम खुश हो गई, अरे अच्छा अभी मैं आपको विवाह के लिए अभी वरमाला डाल देती हूँ। कहे नहीं नहीं रुको, मैं अभी दूध बन के आया हूँ, किसी का इसका दूध बन करके मैं आया हूँ, दूध बन करके इंद्र अग्नि वरुण और यम का, ये चार के तुम पति के रूप में किसी एक को चुन लो। वो कहती मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरे को तो आपसे प्रेम है, मैं स्वयंवर भी आप ही के लिए रखी हूँ। वो कहते पर मैं क्या करूँ फिर, कहते कुछ तो करिए। वहां पे एक बहुत अच्छा चीज लिखा व्यासदेव ने, नल कहता है धर्मायुक्त, ध्यान देने का वर्ण है, धर्मायुक्त अगर स्वार्थ मतलब कि जो मेरे को भोग लेना है वो ऐसा उपाय मेरे को फिर करना होगा। आप समझने का प्रयास करना, धर्मायुक्त स्वार्थ क्या होता है, कई बार जैसे सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, पिज्जा खाने की इच्छा है, ठीक है अभी बाहर खा नहीं सकते, ठीक है खास करके भक्त लोग, उनको तो भगवान को ऑफर करना होता है, क्या कर सकते हैं, पिज्जा खरीद के लाओ भगवान को ऑफर करो या तो खुद बनाओ पिज्जा, ठीक है मन में। लेकिन जब आप पिज्जा या जैसे आज सुबह बनाया मान लो, ठीक है ना मंचूरियन, ठीक है ना मंचूरियन की सब्जी, ठीक है तो अभी मंचूरियन हमको खाना है, राधा रमन जी को खिलाने के लिए नहीं सोच रहे हैं कि राधा रमन जी खाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा नहीं सोचते, हम अपने ही लिए सोचते हैं। लेकिन अभी क्या करें, क्योंकि इच्छा व्यक्ति का नहीं जाता, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत, बहुत समझना चाहिए कि प्रैक्टिकल। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या दिया, वो स्पॉन बुलेट जो रसगुल्ला गुलाब जामुन, व्यक्ति आप इधर नहीं करोगे, भोग वृत्ति इतनी है, इसीलिए धर्म में रह करके भोग वृत्ति करने का थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है साथ में, ठीक है भाई अभी खाने की इच्छा है मंचूरियन, राधा रमन जी को ऑफर करके खाओ, हाँ हाइएस्ट नहीं है वो, हाइएस्ट तो ये है कि जो राधा रमन जी के लिए पसंद है हमको ये नहीं सोचना चाहिए, राधा रमन जी के लिए बस सोचना चाहिए। एक्चुअली में जो कुक होते कहीं कहीं के लोग जो एकदम हाइएस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते वो खुद मंचूरियन बनाएंगे तो खुद चखेंगे नहीं, दूसरों से चखवाएंगे, क्योंकि वो भोग वृत्ति रहती है ना कि मैं अरे बनेगा अच्छा फिर खाऊंगा, तो वो एक तरह से दूषित हो जाता है वो भोग। पर फिर भी भगवान इतने वो जानते हैं कि अरे ये नालायक है, इसको तो भोग है ही है, ठीक है चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर भी वो आपको क्योंकि किसी ना किसी, वही मैं कह रहा हूँ हमारा सनातन धर्म इतना महान है, भगवान इतने कृपालु हैं, वो कहते जहाँ जिस स्तर पे वहाँ सुख हो।
तो ये धर्मायुक्त स्वार्थ की बात करती है, तो फिर धनंती गति सुनिए आप जाइए और आइए स्वयंवर में, सभी को आने दीजिए, मैं आपको समय चुन लूंगी, ठीक है, अभी नहीं चुन पाए, ठीक है। निकल जाता है लाल, पहुंचता है नल चारों, किसके पास, इंद्र अग्नि वरुण यम के पास, उन्होंने बोला भैया क्या हुआ, क्या बोला है इसने दमयंती ने, किसको चुन, सब एकदम मतलब इंद्रलोक इंद्र यम सब आपस में देख रहे, भैया किसको चुना जाएगा। नल ने कहा सुनिए देखो कितना मतलब सत्यवादी, मैं एकदम हैरान हो गया ये पढ़ के, एज इट इज उन्होंने बता दिया जो चीज था पूरा, ये छिपाया तक नहीं, सोचो देवताओं से इसका फल भी मिलेगा। कई बार हम करते हैं ना, हम सोचते हैं अरे प्रभु जी धर्म करने से क्या फल मिलता है, क्योंकि हमको हर चीज दिखना चाहिए ना, हर चीज नहीं दिखता है, खास करके भक्ति में इतना सबलाइम है, अभी हम बात करेंगे चैंटिंग पे, अभी नहीं आ रहा हूँ, ठीक है ना, तो बहुत एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, आप बस ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि हम मूवी में रोमांटिक स्टोरी की तरह सुने हैं, वो रोमांटिक स्टोरी में नहीं सुनाऊंगा, मैं धर्म बताऊंगा आपको। तो क्या होता है ये एज इट इज बताते हैं कि ऐसा मैं गया था, नल दमयंती को ऐसा बोला, दमयंती ने मेरे को बोला भी कि आप आइए स्वयंवर में, मैं आपको चुनूंगा, एज इट इज बोल दिया। तो क्या ठीक है जाओ, सब लोग पहुंचा स्वयंवर में, दमयंती तो खुश थी भाई कि चलो अभी तो नल को ही मैं चुन लूंगी, सब राजा सोच रहे थे दमयंती मेरे को चुनेंगे, वो आगे बढ़े जा रहे थे आगे, जैसे ही वो एक जगह पे पहुंची वो आश्चर्य चकित हो गई, क्योंकि वहां पे पांच नल दिखे उसको, कितने, पांच नल, इंद्र अग्नि वरुण यम ये भी नल थे और नल तो नल था। अभी देखो ये होता है, इसलिए साथ से पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए, नहीं पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे तो कुछ समझ में आएगा। दमयंती सास से ज्ञाता थी, वो पढ़ती थी समझती थी सुनती थी, उसको पता था कि चारों जो देवी देवताओं में क्या होते ना, कुछ चीजें नहीं होता है, आंख नहीं ब्लिंक करेगा, अभी यहाँ पे कोई बैठा है और अगर आंख ब्लिंक नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि वो देवता ही है, एक प्रकार का बीमारी भी आजकल चल रहा है जिसमें कि आंख ब्लिंक नहीं करता है, ठीक है, पसीना नहीं आता है, अब किसी को पसीना नहीं आ रहा है देवता है ऐसा नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज होता है, वो एक फीट ऊपर रहते हैं जमीन से, अभी हील पहनने वाला बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि हील पहन लिया तो एक फीट ऊपर है, वैसे ही मैं पैर उनका एक फीट ऊपर रहता है, और उनको माला या कुछ भी अगर पहन, उनका माला कभी वो मतलब मुरझाता नहीं है, गुलाब का फूल हो या कुछ भी हो, पर क्या हुआ यहाँ पे वो भी नहीं चल रहा था, ये उसको पता था, ठीक है, तो अभी वो सोची कि चलो इससे तो मैं देख लूंगी, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा था, सबको पसीना आ रहा है, सबके आंखें ब्लिंक कर रही हैं, ठीक है, और सबका पैर जमीन पे है, अब इसको समझ नहीं आया कि मैं करूं क्या। यहाँ पे धर्म का वो मिलता है फल, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला था, मैं धर्म इसलिए नहीं कर रहा हूँ द्रौपदी, क्योंकि धर्म का मैं वो वैसे ये मत समझो बिजनेसमैन हूँ कि फल का भोगी के लिए, जिसको धर्म और शास्त्र पे विश्वास नहीं होता उसका अंत निश्चित हो जाता है। कौन सा श्लोक है भगवान गीता के फोर्थ चैप्टर में बोलते हैं, असंशय, नहीं नहीं असंशय वो नहीं, अश्रद्धा ऐसे करके एक श्लोक है कि जो अश्रद्धा होता है, जो शंका वाला होता है, जो डाउटफुल होता है, उसको ना इस लोक में विजय प्राप्त होगा ना उस लोक में विजय प्राप्त होगा, ये चीज है। तो इसलिए कभी शंका नहीं करना चाहिए हमें धर्म पे कि अरे धर्म का पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके अनुसार नहीं मिलेगा पर मिलेगा। वो मन में सोचती है और याद करती है और देवी देवताओं को कहती है अगर मैंने धर्म किया है तो आप ही लोग बताइए कि नल कौन है, और सही में उसने धर्म किया। अब हमने धर्म ही नहीं किया होगा तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं ये चारों देवताओं ने, क्योंकि स्वाभाविक है आप धर्म करोगे तो देवता आपको फल देंगे ही, और आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो तो वो नहीं ऐसा होता है कि नहीं नहीं हट हम नहीं करेंगे, ऐसे वो लोग नहीं है, वो लोग देवता है, उनका भले ही उनके अंदर भी काम वासना है काम है, लेकिन उनको भी पता है कि जब फल देने की बात आ रही है तो हमको ये त्यागना पड़ेगा, ये है, क्योंकि ये रेगुलेटेड लाइफ, कुत्ता बिल्ली की तरह नहीं कि जहां मुंह मारना है मार लेते हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने पर्दा हटा दिया, एक तरह का पर्दा लगा था, और जब वो पर्दा हटा तो उसने साफ साफ देखा ये चारों देवताओं के आंख ब्लिंक नहीं कर रहे थे, क्या हो रहा था, माला जो पहना था वो मुरझाया नहीं था, जमीन से पांव नेगी टच कर रहा था, जैसे दमयंती को पता चला उसने नल को माल्यार्पण कर दिया।
और ये देखो बाहर के स्टोरी में क्या होता है ना, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ बाहर का स्टोरी, जो नल चरित्र एक करके पुस्तक भी है, उसमें क्या दिखाया गया है कि इंद्र अग्नि वरुण मतलब यम क्रोधित हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वही मैं करता हूँ ना, बाहर के पुस्तक को मत पढ़ो, वो क्या करेंगे आप सोचो इसमें क्या है प्रभु जी, अगर दिखा क्या दिया आपका फेथ उठ जाएगा इन लोग से, समझ रहे हो ना, आपका आपको लगेगा अरे ये लोग भी इतने कामी है इतने वो है, तो आपको देवी देवता है, ये धीरे धीरे पॉइसन इंटर करता है, ये कैंसर है, ये लिबरल जो थिंकिंग है ना, लेफ्ट थिंकिंग, वो कैंसर है, कैंसर वो ऐसे घुसता है और पूरा जीवन तबाह कर देता है, हमारा सोच हमारा सांस पे से सोच हटा देता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पढ़ा देता हूँ क्या ये लोग बोलते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप कहोगे प्रभु जी पहले बता भी दीजिए कहाँ ऐसा लिखा है, मैं बता देता हूँ। हाँ ये आपको मिलेगा वन पर्व के कौन सा चैप्टर है, 57 चैप्टर पे है, ठीक है, और इसमें हाँ ये देखो 57 से 35 से लेकर 38 वर्ड्स देखो, ये डिफरेंस होता है हमारा और बाहर के पुस्तकों में, महाभारत में क्या बोल रहे हैं, इंद्र प्रसन्न होकर के प्रत्यक्ष दर्शनम यज्ञ गतिम चानुत्तमा शुभाम नैसाध्य ददो शक्र प्रियमाण सचिपति, ठीक है, सचिपति कौन है, इंद्र प्रसन्न होकर के, किससे प्रसन्न होकर के, नल को क्या कर रहे हैं, वर दे रहे हैं, क्या वरदान दे रहे हैं, देखो प्रसन्न होकर के, अगर क्रोधी होते तो वरदान देते हैं, प्रसन्न होकर के क्या करे कि मैं तुमको वरदान देता हूँ, क्या वरदान, तुम जब भी यज्ञ करोगे मैं स्वयं प्रकट होऊंगा, क्या होऊंगा, प्रकट होऊंगा, और तो और तुमको उत्तम फल दूंगा, उत्तम फल का कहने का मतलब यहाँ पे मध्वाचार्य का है कि तुमको मैं विष्णु का ज्ञान मतलब जो विष्णु यज्ञेश्वर है ना, जो मेन चीज है भगवान कृष्ण के, कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि सब चीज वेदों का अंत मेरे ही पे होता है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्न विष्णु मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्व अहमेव विदु वेदांत के वेद विदेव चाहम, तो वेद जो भी लिखे हैं सारी चीज उसका अंत कहाँ, कृष्णा पे होता है, तो इंद्र ने कहा कि मैं वो ज्ञान दूंगा, ठीक है तुमको ये मैं वरदान देता हूँ, और जब भी तुम मुझे आह्वान करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा, पहला, दूसरा सब दे रहे ऐसा नहीं, अग्निदेव जब भी जहां तुमको कहना होगा ऐसे करोगे अग्नि तुम आग लग जाएगा, तुम बस प्रकट, तुम आह्वान करोगे मेरा तो मैं तुमको वो वरदान देता हूँ, तीसरा वरुण देव कहते हैं कोई भी माला तुम्हारे हाथ से छुआ हुआ हो तो मुरझाएगा नहीं, ये वरुण देव का वरदान है, चौथा यमराज कहते तुम धर्म में स्थित रहोगे, धर्म में स्थित रहोगे, ये वरदान दिया इंद्र अग्नि वरुण यम ने, कहां ये क्रोध दिखाया, इसीलिए जो मूवी देखा अगर नल दमयंती चरित्र करके वो पुस्तक पढ़ रहे हो मत पढ़ो, बहुत खतरनाक है, हमको लगता है ना बाहर की पुस्तक पढ़ने में क्या जाता है प्रभु जी, जाता है वो धीरे धीरे आपके अंदर वो कैंसर सेल डालते हैं, वो ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं लिखेंगे कि कृष्णा या भगवान के बारे में कुछ गलत नहीं लिखेंगे, वो धीरे धीरे स्टोरी लाइन में ही वो आपका वो उतार देंगे, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है बता देना कि क्रोध, लेकिन वो आप समझ नहीं रहे हो, वो धीरे धीरे वो आपका डाइवर्ट कर देते हैं, जिससे धर्मशास्त्र और भगवान से आस्था हटा देते हैं, इसलिए बहुत डेंजरस है ये जो नैरेटिव जो बार बार झूठ बोलने से क्या होता है ना, अच्छे इंसान के अंदर भी डाउट क्रिएट कर देता है, ऐसे लोग से बच के रहना चाहिए, ऐसे समाज में बहुत कनिक लोग जो हैं ऐसे लोग हैं, ठीक है, तो ये चारों जब वरदान दे देते हैं दमयंती नल के साथ निषद राज निषद देश चली जाती है, दो बच्चे होते हैं इंद्रसेनी, क्या होता है हर जगह का टाइम कैलकुलेशन अलग होता है, हमारे यहाँ का 6 महीना अगर हम वहाँ पे डेमी गॉड लोग का 12 घंटा होता है, तो ये लोग जब वापस जा रहे होते हैं तो सज धज के निकल रहे होते हैं, कौन, दो डेमी गॉड, ध्यान देना ये डेमी गॉड ही है, कौन से, आप पहली बार कहोगे गुरु जी डेमी गॉड है, हाँ ऐसा लिखा है, उनका नाम है कलयुग और द्वापर, जो कलयुग होता है ना उसके पर्सोनिफिकेशन, हर चीज का पर्सोनिफिकेशन होता है, जिस साइंस और खास करके आजकल का मॉडर्न थिंकर हो गया कि हेडोनिस्टिक व्यू इसको कहते हैं,
जैसे हम लोग के में धर्मशास्त्र में शास्त्रों में नेचुरल है, गंगा को हम लोग एक पर्सोनिफिकेशन भी समझते हैं, वो कहते नहीं 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 नेचर बन गया। तो ये कलयुग पर्सोनिफिकेशन है और द्वापर युग, ये दोनों सच धज के निकल रहे थे, कहते कि हम भी जाएंगे। तो ये जब चारों इंद्र यम अग्नि और वरुण कहते आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो कहते अरे दमयंती के स्वयंवर में, अरे दो बच्चा हो गया आप स्वयंवर में जा रहे हैं, समय लगता है ना जाने में, दो साल बीत गया था, दो बच्चा हो गया आप क्या जाओगे। कलयुग कहते ऐसा कैसे हो गया, अरे हम लोग वहीं पे प्रेजेंट थे जब उसने हमको छोड़ करके उस नल को लिया, और उन्होंने देखो यहाँ पे भी गलत बताया गया, यहाँ महाभारत के अनुसार, मैं आपको महाभारत के अनुसार बता रहा हूँ, इंद्र और यम कहते कि अरे नल बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छा है, वो हम लोग से भी महान है, ऐसा इंद्र लोग कह रहे हैं। कलयुग को लेकिन, कलयुग मतलब कला, इसको रहा नहीं गया, उसने कहा देवताओं को छोड़ के मनुष्य को चूज किया, दमयंती ने बदला लिया जाएगा, ठीक है, दोनों चलते हैं बदला लेने के लिए। क्या करते हैं तो सब स्टोरी फास्ट लाइन करेंगे क्योंकि नहीं तो समय निकल जाएगा, बहुत लंबा है। कलयुग द्वापर पहुंचते हैं, कलयुग इंतजार करता रहता है कब मौका मिले जब वो नल मिस्टेक कर दे, अधर्म कर दे, ठीक है। 12 साल उसको लग जाता है पता करने, मतलब 12 साल तक इंतजार करता रहता है, उसको कोई ऐसा चीज ही नहीं मिलाता है जिससे कि वो एंटर कर सके। हम लोग तो डेली अधर्म या कलयुग के प्रभाव में ही है, ठीक है, सोचो वो नल 12 साल तक उसको कोई मौका नहीं देता, एक दिन छोटा सा गलती कर दिया। क्या कर दिया गलती, खाना खाने के बाद हाथ पैर भी धोना होता है, ये तो बाहर के कॉन्सेप्ट में तो किसी को पता ही नहीं है, वो तो कहते प्रभु जी हम लोग तो धोते ही नहीं है, इसमें कौन सा है? तो वही मैं कहा ना, हम लोग हमेशा नल मतलब कि कलयुग में, लेकिन वो सौभाग्य की बात है, कलयुग के तारणहार सचिनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं और हरि नाम संकीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक देवदम, हरि का नाम का कीर्तन, इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते थे प्रतिदिन हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए, प्रतिदिन। कोई लोग कहते ना अरे प्रभु जी डेली क्या, डेली है तो कलयुग कभी इंटर, कलयुग में तो हम है ही है, पहले से कभी इंटर किया हुआ है, लेकिन देखना अभी कलयुग इंटर करके क्या क्या आप रो दोगे, स्टोरी जो मैं अभी आगे बताऊंगा, ऐसा इतना दर्दनाक स्टोरी है। तो कलयुग के प्रभाव से बचना है तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी हमारे कहते थे प्रतिदिन 16 माला भगवान का नाम जप करना चाहिए ध्यान पूर्वक, क्योंकि जिस दिन नाम नहीं जप किए उस दिन समझ लेना कुछ तो अनहोनी दुर्घटना हो सकता है, एनी टाइम एक्सीडेंट कैन हैपन। फिर आप मत बोलना प्रभु जी इतना दिन हुआ नहीं, कभी भी सोचो 12 साल तक एक दिन बस पैर नहीं धोया, संध्या उपासना में बैठ गए, कलयुग इंटर कर गया इसके में नल में। इधर नल के भाई थे पुष्कर, उनका भाई से थोड़ा सा ना जमता नहीं था, किसका, नल का और पुष्कर का, पुष्कर को थोड़ा सा आकर्षण था दमयंती के प्रति भी, तो पुष्कर के मन में भी कलयुग चला गया, पुष्कर को प्रेरित किया कि तुम जाकर के नल के साथ द्युत खेलो और मैं गारंटी दे रहा हूं तुम जीतोगे। क्या देखो क्या स्टोरी बता रहे बृहदस्व, युधिष्ठिर महाराज का ये जैसा स्टोरी है, वहां पे कलयुग दुर्योधन है और वहां पे द्वापर कौन है, शकुनी है, द्वापर बन गया डाइस और पासा होता है ना, वो पासा के रूप में चला गया और कहा कि हम दोनों मिल करके तुमको जिता लेंगे। कहानी स्टार्ट हो जाता है, पुष्कर नल को आमंत्रित करता है कि आज द्युत के लिए युद्ध खेलते हैं, द्युत खेलते हैं, कलयुग इंटर कर चुका है इसलिए वो जग गया नल खेलने। देखो नल मतलब कहाँ जा रहा है, इसीलिए देखो कई बार लोग बोलते हैं ना प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है, ये जो इस्कॉन वाले चार जो हम लोग के प्रभुपाद जी ने दिया चार, बहुत ग्रेटेस्ट डेंजर है, कहाँ से घुस रहा है कलयुग, आप देखो कोई संध्या उपासना या पूजा पाठ से नहीं घुस गया कलयुग, उसको गलत चीज को घुसने के लिए भी रास्ता चाहिए, कहाँ घुसता है चार चीज, वही इलिसिट सेक्स, ठीक है, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग और चौथा क्या है, इंटॉक्सिकेशन, शराब पीना, ये चार चीज से ही कलयुग इंटर करता है। इसको पकड़ा गैम्बलिंग को, द्युत क्रीड़ा,
एंटर करना स्टार्ट हुआ, पुष्कर और नल का मैच स्टार्ट हो गया, स्वाभाविक है नल हारने लग गया। दमयंती ने समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, जो धर्मपरायण लोग होते ना उनको तुरंत समझ में आ जाता कुछ तो गड़बड़ होगा। तुरंत राजा के मंत्रियों को बोली कि आप बुला लो महाराज को और कहो कि महाराज आपसे गुप्त सू करना है, अभी चलिए। वो नहीं उठ पाए नल और कहे नहीं नहीं नहीं, ये इतना पावरफुल है, फोर्स एंड फुल एक्टिविटी बहुत ग्रेव है। श्री श्री प्रभुपाद जी हमारे कहते थे इस चार को छोड़ो और हरि नाम को जपो हमेशा, कभी भी डेंजर हो सकता है। हो गया, वो नहीं उठ पाए। फिर उसने अपनी दासी को भेजा दमयंती ने और समझ गए, उसने अपनी दासी को भेजा और वार्ष्णेय करके सूत था उसको कह के कही कि मेरे पुत्र को लेके जाओ अपने नाना नानी, मतलब उसको नाना नानी के पास भेज दो, कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। दोनों जो बच्चे थे उसके वो कुंडनीपुर चले गए। वो जो सूत था उसको कह देते कि तुम वापस मत आना, कोई तो होना चाहिए, नहीं तो कहीं ये पुष्कर कुछ भी कर सकता है, तुम आना ही नहीं वापस। वो चला जाता अयोध्या देश ऋतुपर्ण के यहाँ, तो मतलब कि चैरियट ड्राइवर बन जाता है। इधर नल हटी नहीं रहते, वो सारा चीज लगाए जा रहे थे, हारते जा रहे थे। देखो क्या होता है ना, मतलब क्या होता है ना, कई बार मतलब हमको लगता है कि देखो इतना ये इंटॉक्सिकेशन होता है ना, ये सब चीज गलत चीज, आदमी फंसता है ना, फंसते चला जाता है, समझ रहे ना। मतलब कोई भी चीज, शराब हो सिगरेट हो, एक सिगरेट पीने से क्या होता है, वो एक सिगरेट कब दो में हो जाता है, कब चार में हो जाता है, कब चेन स्मोकर हो जाता है, पता नहीं चलता है। उसी तरीके से गलत स्त्री के संग में कब पड़ जाते हैं और फिर ऐसे ऐसे फंस कैसे जाते हैं पता नहीं चलता है। आदमी इतना दलदल की तरह वो फंस जाता है। ये चार इतना खतरनाक है ये एक्टिविटी, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे चार से बच के रहो, हरि नाम का जप करो। वो फंसते चले गए, वो निकल ही नहीं पा रहे थे, उनकी पत्नी बार बार कही चलिए, वो नहीं सुन पा रहे थे। अंत में पुष्कर जब सब कुछ जीत गया, राज्य से लेकर सब कुछ जीत गया, इवन तो सब कपड़े जीत गए उसके, बचा कौन, दमयंती। कौन, दमयंती ने बचा। देखो इसीलिए बहुत सूक्ष्म है जो भगवान की लीला कह सकते हो। दमयंती को जब कहा पुष्कर ने कि तुम इसको भी दांव पे लगाओ, समझ रहे हो, तो क्या लगा, दांव पे लगा दिया उसने, नहीं लगाया। कैसे बच गया ये पाप से, क्योंकि उसने देवताओं का उपकार किया था उस समय, देख लो। इसलिए धर्म कब आपको रक्षा करेगा ये हमारे ऊपर निर्णय नहीं करता है प्रभु जी। धर्म कब रक्षा करेगा हम निश्चित नहीं करेंगे कि आज धर्म रक्षा कर देना चाहिए, वो तब रक्षा करेगा जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। कई बार होता है कि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है उस समय भी रक्षा नहीं करता, लेकिन रक्षा करेगा, क्योंकि धर्म कभी खाली जाता नहीं है। वो भगवान की कोई वही उसी धर्म के कारण से उसने दमयंती को दांव पे नहीं लगाया और उठ के चला गया वहां से। लेकिन कलियुग अंदर था ना, नल के अंदर, तो ऐसे थोड़ी ना छोड़ेगा, इंटर कर चुका था। हम तो कलियुग में है ना, तो हमको ऐसा लगता है प्रभु जी क्या हाथ है, खा पी के मस्त रहिए, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। जो पाप में है उसको समझ में नहीं आता है, जो शराबी है उसको शराब के बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो शुद्ध आत्मा होता है उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो नल दमयंती को साथ लेकर के वन में चले गए और तीन दिन तक बिना भूखे प्यासे, क्योंकि पुष्कर ने कह दिया था जो भी नल का मदद करेगा उसको मैं मार डालूंगा। तो कोई राज्य में सब चाहते थे नल की रक्षा करना, प्रयास करना, लेकिन कोई कर नहीं पा रहा था। तो ये घूमते फिरते ऐसे ही खाते पीते निकल, मतलब वन में भटक रहे थे, भूखे प्यासे थे। नल के पास एक ही धोती था और दमयंती के पास एक ही साड़ी था। क्यों बोल रहा हूँ, जो ये इसका रीजन है। दमयंती के पास क्या होता है, देखो पाप जो होता है ना, धन अभी छोड़ता नहीं। कलयुग ने कहा नहीं इतना नहीं, अभी और करूंगा इसके साथ बुरा। क्या करता है, द्वापर जो पासा के रूप में था अब वो दो हंस के रूप में आ जाते हैं, और उसने ऐसा बना दिया था कि वो फट छटपटा रहे थे जैसे शिकारी ने उनके ऊपर जाल डाल दिया। नल को दया आ जाती है, वो चाहता है वो हंस को बचाने के लिए, वो हंस उसका धोती उड़ा के लेके चल जाते हैं। अभी नल हो गया नग्न, वो आए थे सिर्फ इसकी धोती निकालने के लिए,
पूरा नग्न कर दिया है। दमयंती के पास सिर्फ एक साड़ी। यहाँ पे हमारे प्रभुपाद जी एक प्रवचन में सुन रहा था कि दमयंती की महानता, अब यहाँ से हम बताते जाएंगे थोड़ा बहुत, दमयंती की महानता क्या, चेस्टिटी पतिव्रता है। सोचो एक साड़ी है, ठीक है, और सबसे बड़ा चीज है कि पति पूरा इतना वो हो गया, निर्धन हो गया, कपड़ा तक नहीं है, फिर भी दमयंती नहीं छोड़ी नल को। ये है पतिव्रता का महत्व। वो कभी साड़ी को धोती बना करके वो नल पहनता था, और वो कभी भिक्षा मांगने के लिए, खाने मांगने के लिए जाता था, तो उस समय दमयंती पत्तों से नग्न के कारण होने से छिपी रहती थी। कभी नल, क्योंकि दमयंती को मान लो कहीं जाना होता था, वो सारे वो नग्न रहता था। सोचो एक कपड़ा सीखा, इतना कर दिया इस कलयुग में। नल दमयंती फिर ऐसे रहने लगे, तो नल के हृदय में क्या आया, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा चीज है, मैं बताता जाऊँगा धीरे धीरे, आप ध्यान से सुनना, हर जगह पे एक कॉन्सेप्ट है। नल क्या सोचने लगा कि दमयंती मेरी वजह से क्यों इतना दुख, ठीक है, और वो दमयंती को कहने रास्ता बताने लगता है। देखो ये दक्षिण का जो रास्ता है ये विदर्भ देश जाता है, ये रास्ता चेदी राज को जाता है, ये रास्ता ऐसे करके, तो वो कहती है कि मेरे को रास्ता क्यों बता रहे, ऐसे क्या मेरे को छोड़ना चाहते हैं क्या। कहते नहीं नहीं नहीं, दमयंती कहती कि सुनिए, आपने मेरे, मैंने आपको देवताओं को छोड़ के, आपको मनुष्य और देवता में बहुत अंतर है, हमको ये नहीं सुनना चाहिए, देवता और मनुष्य में कुछ ब्यूटी, आप कुछ भी ले लो, नॉलेज में हम लोग कुछ नहीं है, चीटी और मतलब समझ लो एकदम, क्या बात करें, एकदम कुछ मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते देवता और मनुष्य में, तब पर भी मैंने आपको चुना है तो मैं आपको छोड़ नहीं सकती। लेकिन नल रात को जब सो रहा होता है तो वो सोचता है कि दमयंती मेरे कारण से क्यों दुख भोगे है, ठीक है, उसका सोच, ध्यान दीजिएगा, उसका सोच क्या चल रहा है कि मेरे कारण से दमयंती क्यों दुख भोगे, पहला चीज, और मेरे को विश्वास है कि ये इतनी पतिव्रता है, इतनी धर्मक है, इसका कभी कुछ गलत होगा नहीं, और इसलिए वो आधी रात में उसकी आधा साड़ी को फाड़ करके खुद लपेट करके वहां से निकल जाता है, कलयुग के प्रभाव के कारण। कहां पे एक चीज समझने का चीज है, इसीलिए एक प्रैक्टिकल पर्सन, एक साधु पुरुष की बहुत जरूरत है हमारे जीवन में। कई बार हमको कलयुग के प्रभाव के कारण लगेगा कि ये सही डिसीजन है, पर वो सही डिसीजन नहीं होता, ठीक है, सोच अच्छा था, सोच में गड़बड़ नहीं था, सोचा था मेरी वजह से दमयंती क्यों दुख भर गए, और उसको विश्वास था दमयंती के साथ कभी बुरा होगा नहीं, पर वो छोड़ दिया ना किसको, दमयंती को, आधा साड़ी फाड़ के वो निकल जाता है नल, और दमयंती क्या हो जाती है, सोई रहती है। तो जब दमयंती का आंख खुलता है तो वो देखती है कि नल तो है ही नहीं, वो दुख में रोने लग जाती है कि अभी मैं क्या करूं, और रोते रोते वो सोचती है कि कहां मैं ढूंढूं किसको, नल को। तभी अचानक से एक अजगर होता है, वो बहुत ही मतलब कि भूखा हुआ रहता है, वो दमयंती को देखता है, दमयंती का पैर से वो निकलना स्टार्ट करता है। सोचो अजगर जो है, दमयंती का पांव जो है तो वो निकल गया है, पर दमयंती ये सोच रही है, देखो कितना मतलब ग्लोरी है, सास अगर पढ़ेंगे नहीं तब हमको लगेगा कि अरे स्त्री को तो धर्म में पूरा एकदम इज्जत, ऐसे निर्लज, और क्या बोलते हैं, क्या क्या चीज बोलते हैं ना, कि अबला नारी दिखाया है। पढ़ो, दमयंती का सोच क्या चल रहा है, वो ये सोच रही कि अजगर के दुख को नहीं सोच रही, वो सोच रही कि मेरे पति नल कैसे होंगे, कहाँ होंगे, ये उसकी सोच है। इतनी महान थी दमयंती। अजगर जब खाने लग जाता है तो व्याघ्र मतलब कि जो शिकारी होता है वो देखता है कि अरे एक स्त्री को अजगर निकल रहा है, वो निकालता है अपना तीर धनुष तलवार, उससे अजगर को काट के फेंक देता है, और फिर उसके ऊपर उपचार करके पानी से छिड़क देता है, और उसको अपने साथ ले चलने लगता है। यहाँ पे भी एक ध्यान से सोचने लगता है, दमयंती को वो खिलाने पिलाने लगता है, दमयंती को पूछता है कि आपकी स्थिति कैसे हुई, क्या हो, कौन हो, कहाँ से हो। दमयंती ने उसको बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं कहाँ अभी हूँ, मतलब बताया।
कई बार अपने चीज़ों को हमें ऐसे लोगों से रिवील नहीं करना चाहिए जो उसका फ़ायदा उठा सके, मतलब कि आपका वो फ़ायदा ना उठा ले, ऐसे लोगों से रिवील नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टी हर जगह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। इसने सोचा अभी तो ये नारी अकेली, इसका मैं बलपूर्वक बलात्कार करूँगा, क्योंकि वो तो दमयंती थी, बहुत सुंदर थी, वो उसको करने लग गया, क्या बलपूर्वक उस पर अत्याचार। लेकिन वो भूल गया कि वो आजकल के लिबरलवादी लोगों की नारी नहीं है, जो बस बोलने में जानती है, अपना रक्षा करना जानती थी, धर्मशास्त्र के राजनीति। देखो जैसे द्रौपदी थी ना, कुछ लोग बोले थे प्रभु जी द्रौपदी ने क्यों श्राप नहीं दे दिया, वहाँ पे जरूरत नहीं था श्राप देना, अगर वो श्राप दे देती ना तो उसके पति जो वहाँ पे थे ना, ये समझना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है ना हर चीज़ का एंगर, हर चीज़ का क्या होता है ना, इसको श्राप दे दो, उसको श्राप दे दो, ऐसे दे दो, वैसे दे दो, काम तमाम कर दो, नहीं होता है। पहले के लोग इतने परिपक्व थे, उनको पता है कि मेरे क्रोध करने से या मेरे बल दिखाने से कहीं मेरे पति का या मेरे जो लोगों उनका अनादर तो नहीं ना हो जाएगा, इसलिए द्रौपदी ने श्राप नहीं दिया। पर यहाँ पे कोई था नहीं ना बचाने के लिए, उसने कहा सुनो मेरे साथ कुछ गलत करने का प्रयास मत करो, नहीं तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। वो सुनता नहीं, उसको श्राप देती, उसी समय चल के फंस होने का, ऑन द स्पॉट, महाभारत में पढ़ लीजिए, ऑन द स्पॉट गिर जाता है और चल के फंस हो जाता है। इतना पावर था दमयंती में, कैसे, धर्म के कारण, सतीव्रता पतिव्रता के कारण। तो जब ये शिकारी का वध हो जाता है, मतलब मर जाता है, दमयंती रोने लग जाती है, बिलखने लग जाती है, और लोगों से पूछ, लोगों इन द सेंस मतलब कोई तो थे ही नहीं जंगल में, किससे पूछेगी, हाथियों से पूछ रही है, सोचो शेर से लिखा है इसमें, डायरेक्ट शेर से ऐसे करके पूछ रही कि मेरे पति कहाँ है, इतना मतलब कि दुख में थे, और सोचो शेर भी नहीं खाया, क्यों, उसका रीजन जानते हो क्यों नहीं खाया, देखता हूँ मैं वर्ड्स लिखा है कि नहीं मैंने, उसका रीज़न है, हाँ चलो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। शेर भी नहीं खाता है, वो नहीं खाता है, और क्योंकि जीव जंतु भी नहीं खाएंगे। जब वो आगे बढ़ने लग गए तो उसको एक व्यापारियों का समूह मिला, उस व्यापारियों के समूह में वो जुड़ गई, अकेले थी, सोचो आधा शिक्षाड़ी था उसके शरीर पे। व्यापारियों ने कहा कि कौन हो तुम, यहाँ पे देखना, ध्यान देना था, वो क्या बोलती है, पहला चीज़ सीख रही थी सबक, ठीक है, पूरा चीज़ नहीं बोली, ठीक है, और क्या बोल रही है आप ध्यान देना, वो बस बोलती है मेरा नाम दमयंती है, मैं भीम की पुत्री हूँ, नल मेरे राजा थे, वो मेरे को मिल नहीं रहे, कहीं खो गए, उसने बस इंसिडेंट बताया, ठीक है, कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा ठीक है चलो, हो सकता है हम चेदी देश राज जा रहे, हो सकता है आपका हस्बैंड भी वहीं पर मिल जाएगा। व्यापारियों के साथ चलने लग गए तो रात हो गया, और सरोवर पार करना था, बहुत बड़ा सरोवर था, तो लोगों ने सोचा कि चलो विश्राम कर लेते हैं, नदी का किनारा है, कल निकलेंगे, वहीं पे विश्राम करने लग गया। पर अचानक से वहां पे हाथियों का, जंगली हाथियों का झुंड आया, और सब जगह तबाही मचाने लग गए, वो लोग मारने लग गए, ये देख करके सब जगह तबाही मच रहा है, सब जगह पागल लोग भाग रहे हैं। दमयंती की भी आँख खुली तो वो देखती है, अरे बाप रे बाप, हाथी सबको पकड़ गया। अभी अगर आपने देखा होगा, हाथी जब पागल हो जाता है वो कैसे तबाही मचाता है, वो देखने की चीज़ है, कोई नहीं रोक सकता। तो जब वो तबाही मचाने लगे तो लोगों ने सोचा आज तक हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये आज कैसे हो गया। तब वो लोग सोचते कि अरे ये स्त्री आई इसकी वजह से, ये कहीं राक्षसी तो नहीं है, या मतलब कि उल्टा टाइप की तो नहीं है, इसके वजह से हमारे जीवन में अब सुकून आ रहा। वो लोग उसी को मारने के लिए दौड़ पड़े दमयंती को, और दमयंती वहाँ से निकल के हार जाती है, और सभी की मृत्यु हो जाती है, दमयंती बच जाती है। वहाँ पे दमयंती एक बहुत अच्छा बात कहती है, क्या बोलती है, कहती है, बताता हूँ,
बहुत सुंदर चीज़ है। 65.39 वर्ष है वल्लभ पर्व का। देखो क्या मतलब कि इतना धर्म पे उसको विश्वास था। कहती है असमय मृत्यु नहीं आता है। असमय मृत्यु अकाल मृत्यु होता है ना, जैसे कि हम लोग सुनते हैं आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया अकाल मृत्यु। 20 साल में लड़का मर जाता है, 25 साल में बेटी मर जाती है, या एक्सीडेंट हो जाता है, या ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, हम देखते हैं ना अकाल मृत्यु। वो कहती है अकाल मृत्यु उसकी कभी नहीं हो सकती जो धर्म में लगा हुआ है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा पाया नहीं जाता है, अकाल मृत्यु उसकी कभी नहीं हो सकती। और कहती है जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया वह इच्छा होते हुए भी मर नहीं सकता। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। जिसको कृष्ण बचाना चाहते हैं उसको कितनों आप करो वो मरेगा नहीं, और जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं मतलब कृष्ण उसके वध करना चाहते हैं फिर उसको भी बचाना मुश्किल है। तो ये चीज़ है। तो ये इतना नियम ज्ञान दमयंती बता रही है, इसलिए वो बच गए। और रास्ते में उसको तपोवन के ऋषि लोग मिलते हैं, और तपोवन के ऋषि लोग मिलते हैं तो देखो तपोवन के ऋषि लोग जब मिले तो वो ऋषियों से पूछी कि आपका हाल चाल कैसा है, अपना दुख पहले नहीं रोने लग गई थी। ये देखो ये सब इतना मतलब कि माइन्यूट है, कैसे साधु से पेश आना चाहिए, साधु क्या मतलब कि जो लोग होते हैं हम ये पढ़ते नहीं है, तो इसलिए क्योंकि हम बाहर का पुस्तक पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये साधु वाधु क्या चीज़ है, ये सब विभूति, ये सब वैष्णव, ये सब की क्या इज्जत करने से मिलेगा मिलता है। साधुओं को जब उसने बताया कि आप कौन हैं कैसे हैं तो साधुओं ने भी पूछा कि हम तो ठीक है, आप बताओ आप कहाँ से हो। तब दमयंती ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा स्थिति हुआ मेरे साथ, ऐसे ऐसे चीज़ हुआ। फैक्ट बताती है, सिर्फ फैक्ट बताती है, फीलिंग अपना नहीं बता रही है, ये इम्पोर्टेंट रखना। फैक्ट मतलब कि क्या क्या चीज़ उसके साथ जीवन में व्यतीत हुआ, वो आरोप नहीं लगा रही है नल के ऊपर, क्यों वो हम बताएंगे, वो फैक्ट बताती है। तपोवन ऋषि ने कहा कि तुम चेदी देश चले चलो, हम भी चल रहे हैं वहीं पर, चल चलो ठीक है। तो वो ब्राह्मणों के साथ होकर के राज्य में एंटर करती है। जैसे ही राज्य में एंटर करती है राजमाता, क्योंकि वहाँ की रानी थी, उसने उसको देखा, उसको लगा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती, और उसने उसको अपने पास बुलाया और पूछा कौन हो। तो उसने बताया कि मैं, मेरे पति खो गए हैं, मैं उनको ढूंढ रही हूँ। तो कहे ठीक है, हो सकता है तुम्हारे पति भी यहाँ पे आ जाए, तब तक तुम मेरे साथ रहो। उसने कहा कि ठीक है, देखो ये सुनिएगा यहाँ से, मेरा लेकिन कुछ शर्त है। पहला, मैं झूठा नहीं खाऊंगी किसी का। दूसरा, मेरे ऊपर कोई बलपूर्वक या किसी प्रकार का ऐसा नहीं कहा जाएगा कि मेरा विवाह करने का। तीसरा, कोई भी अगर मेरे से बात करने का, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। चौथा, कोई मेरे प्रकार से किसी तरीके से बलपूर्वक प्रयास करेगा क्योंकि तो उसको पता है कि वो बहुत सुंदर है, तो उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। रानी ने कहा ठीक है। और पांचवा बहुत इम्पोर्टेंट चीज कहती है कि सिर्फ मैं ब्राह्मणों से बात करूंगी। आप कहोगे अरे प्रभु जी आप ब्राह्मण फिर फिर ले आए ब्राह्मण, आप देखना ब्राह्मणों का रोल देखना ठीक है ना, क्यों लोग मतलब ब्राह्मण कहने का मतलब आप ये मत सोचो कि कास्ट से मैं ब्राह्मण कह रहा हूँ। ब्राह्मण लोग वो होते हैं ना जो भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के उनका ब्राह्मण में चर्चा होता है, झूठ फरेब से वो दूर रहते हैं। हो सकता है उनके आपको कभी उनकी चीज़ें अच्छी ना लगे क्योंकि वो डायरेक्ट कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन आप इतना विश्वास करो वो आपका कभी बुरा जल्दी नहीं सोचते हैं जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण में भी कैटेगरी होता है। तो उसने कहा कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों से ही अगर बात भी करना हुआ तो उन्हीं से चर्चा करूँगा। तो ये था दमयंती की तरफ स्टोरी। उधर नल क्या चल रहा था, नल जब वहां से निकल करके जा रहे होते हैं रास्ते में उनको एक नाग दिखता है। क्या दिखता है? नाग। और वो नाग उसका नाम होता है कर्कोटक, कर्कोटक नाम होता है, कर्कोटक करके एक नाग होता है। वो दावा अग्नि मतलब जैसे कभी कभी देखते हो ना फॉरेस्ट फायर लग जाता है उसमें वो फंसा हुआ होता है, चिल्ला रहा होता है, नल घुस जाते हैं उसमें और उसको बचाने लग जाते हैं, उसको बचा करके निकाल देते हैं और कहते तुम ऐसे कैसे पड़ गए। तो वो बताता है कि मेरे को एक बार मैंने अपराध कर दिया, किसका? वैष्णव का। कौन? परम वैष्णव नारद मुनि का।
देखो सोचो नारायण मुनि का, हम लोग कितना मजाक उड़ाते हैं नारायण मुनि का, कितना बड़ा अपराध लगता है, कभी भी भूल चूक। देखो एक चीज़ याद रखो, एक और चीज़ कौन सा, कई बार हमको कहते ना कि अरे प्रभु जी हमारा कर्मा है इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। हर बार आपका कर्मा आपका दुख का कारण नहीं होता है, अज्ञान भी आपके दुख का कारण हो सकता है। क्यों? जैसे आप मान लो कह दो कि मेरे को कत्ल करना का पता नहीं था कि मृत्यु दंड मिलेगा, जज ये कहेगा कि नहीं ये आपकी गलती नहीं, अच्छा अच्छा आपको पता नहीं था कि मृत्यु कर दोगे, किसी का खून कर दोगे तो तुमको मृत्यु दंड मिलेगा, तुमको पता होना चाहिए। उसी तरीके से किसी भी नारद मुनि जैसे आचार्य व्यासदेव, उनके व्यासदेव के गुरु वाल्मीकि मुनि ऋषि के गुरु, सारे भागवतम में हरेक जो भी आप पात्र पाओगे उनके गुरु नारद मुनि हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा देना अरे वो तो हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि कहाँ से ये सब, कौन किया करेक्टर, कहाँ से ये मूवी कौन चला रहा था, कौन चला रहा था, अब जाके पता करना, मैं नहीं बोलूँगा नाम, अब जाके पता करना कौन लोग चला रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारे धर्मशास विद्वानों ऋषि मुनियों पे से मन हटाने का ही चीज़ है। तो कर्कोटक ने श्राप दे दिया था, इसलिए उसने कहा कि मेरे को ऐसा दुख झेलना पड़ा। उसने कहा तुमने मेरी रक्षा की, मैं तुमको वरदान दूंगा, तुम मेरे पास आओ, कितना 10 कदम, तब मैं तुमको वरदान दूंगा। नारद ने कहा ठीक है, 1, 2, 3, जैसे वो 10 कदम रख के उसके नज़दीक आए, तुरंत उसने टस मारा, किसने, नाग ने, पर डस के ये घबरा गए नल, स्वाभाविक है ना, मैंने आपकी रक्षा की आपने डस मार दिया, इसलिए तुरंत कंक्लूजन में नहीं पहुंचना चाहिए। हम लोग कई बार किसी का हेल्प करते हैं और वो हम देखते हैं कि अरे वो मेरे साथ ऐसा कर दिया, उससे पूछो भाई तुमने ऐसा क्यों किया, उन्होंने बोला भाई तुमने मेरे को डस मार दिया, क्योंकि उनके डस, इसके डस मारने से, नाक के डस के मारने से क्या हुआ ना, जो नल रूपवान थे ना वो क्या हो गए, एकदम काले कलूठे कह सकते हो, एकदम श्याम वर्ण, पूरा एकदम उसका रंग काला पड़ गया, जो इतना रूपवान थे वो एकदम ऐसे हो गए। उन्होंने कहा तुमने मेरे को ऐसा कर दिया, कहा कि मैंने 3 कारण के लिए तुम्हारे साथ ऐसा किया, पहला कारण तुमको कोई पहचान ना सके, देखो तुम्हारे भलाई के लिए, दूसरा कारण तुम्हारे अंदर हृदय में कलयुग बैठा है, कौन बैठा है, कलयुग बैठा है, मेरे विष से तुमको प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर उस कलयुग वो क्या होगा, वो जलेगा, वो निकल भी नहीं पाएगा, वो जलेगा, वो तब तक जलेगा जब तक कि तुम द्यूत में स्पॉट नहीं हो जाओगे, क्योंकि उसने द्यूत में हराया ना तुमको, इसलिए वो तब तक चलेगा, वो निकल भी नहीं सकता, सोचो, इसलिए वो इसके कारण वो चलता रहेगा, तुमको कुछ नहीं होगा। और तीसरा कारण, जीव जंतु क्या होता है ना, जब आपका रंग एकदम, आप देखोगे जानवर भी ना, मतलब कि अगर आप दिखने में खूंखार लग रहे हो ना, तो जो छोटे मोटे जो जंगली जानवर भी आपसे दूर रहेंगे, शत्रु भी आप डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो मोटा हट्टा खट्टा आदमी हो तो आप उससे भिड़ोगे जाके, एकदम मूछ ऐसे हो, पहलवान जैसा हो ऐसे एकदम, तो नहीं भिड़ोगे, तो वही सही चीज़। तो इसलिए 3 कारणों से मैंने तुम्हें कसा और 2 वस्त्र दे रहा हूँ, इसको पहन के कभी भी तुम पुनः अपने रूप में वापस आ सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ से चले जाओ तुम अयोध्या देश ऋतुकोट, वहाँ पे जा करके उससे 2 चीज़ सीखो, किससे, वहाँ के राजा से, ऋतुपर्ण से। क्या पहला चीज, अंक में वो बहुत एक्सपर्ट है, और दूसरा चीज युद्ध क्रीड़ा सीखो, क्या सीखो, पहला अंक है, अंक अंक गणित काउंटिंग, वो अंक अंक सीखना है, वो वाला अंक नहीं, नंबर 1, 2, 3 नहीं, वो अंक गणित में बहुत एक्सपर्ट है, वो मैं बताऊंगा कैसे। ये 2 चीज तुम सीखने जाओ कहाँ, अयोध्या देश के राजा, नाम नहीं देता हूँ, अयोध्या देश के राजा है ऋतुपर्ण, समय भी जा रहा है, बहुत लंबी कहानी है इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा जल्दी, लेकिन एक एक इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सिर्फ रोमांटिक स्टोरी नहीं है जैसा मूवी में दिखाते हैं। ऋतुपर्ण राजा के पास वो पहुँचते हैं, कौन, नल, और कहते हैं कि आप मेरे को वो रख लो, हॉर्स चलाने वाला, हॉर्स राइडिंग में बहुत एक्सपर्ट, वो कहते हैं मेरे पास तो ऑलरेडी है, उन्हीं का जो था ना नल का जो वाष्णेय, याद होगा आपको,
वो यही कह रहा था ऋतु पूर्णिमा, वो कहे कि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं आपको क्यों रखूँ, बाकी आप टेस्ट कर लेना ड्राइविंग में कितना फास्ट में चलाता हूँ, एक्सपर्ट हूँ मैं। तो कहते ठीक है भाई रह जाओ तुम। तो वो रह जाते हैं घर। इधर दमयंती के पिता जो थे भीम, जब उनको पता चलता है कि उनके पति उनके पुत्री और जो जमाई राजा या जो है उसके हस्बैंड उसके साथ ऐसा हो गया है, वो सब जगह ब्राह्मणों को दिस देते हैं। किस लिए? देखो ब्राह्मण क्या कार्य करते, तो ब्राह्मणों को भेजा जाता था, बता सकते हो आप? ब्राह्मणों को भेज देते जाके कि पता करो, क्योंकि बहुत कारण है। इसलिए नहीं कि ब्राह्मण बहुत महान मतलब कि ऊंचे वर्ग का, सोचो ऊंचे वर्ग का व्यक्ति कार्य क्या कर रहा है पता करने के लिए, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो होता है ना वो संतुष्ट होता है। दूसरा चीज, वो झूठ कपट नहीं होता उसके अंदर, वो एज इट इज बताएगा। तो सुदेव करके जो एक ब्राह्मण था वो पहुंच जाता है चेलीराज जहाँ पे दमयंती रहती है, और जब वो दमयंती को देखता है तो वो समझ जाता है अरे ये तो दमयंती है। और वो जा करके दमयंती को बोलती है, बोलता है सुदेव कि आपके पिता आपको बुला रहे हैं, चलिए आप मेरे साथ। दमयंती जब वो जो रानी होती है वहाँ की चेलीराज की उससे बोलती है तो कहती है अरे तुम दमयंती हो, तुम वो पुत्री हो मेरे, तो पता चलती है कि वो उसकी भतीजी है, क्योंकि उसकी माँ दमयंती की माँ और उसकी वो बहन थी। तो ये चीज़ होता है। तो दमयंती पहुँच जाती है कहाँ? सुदेव के पास। अभी सुदेव के साथ अपने भाई वहाँ पे विदर्भ देश में अपने माता पिता के पास। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना ये कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिवनेस का। दमयंती से जब पूछा जाता है बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ कैसे हुआ, आप पढ़ना दमयंती एज इट इज स्टोरी बताती है, अपना फीलिंग नहीं बताती है। क्या बताती है? फैक्ट बताती है, फीलिंग को नहीं बताती है, पहला चीज। क्योंकि कई बार हम अपना स्टोरी में फैक्ट के साथ फीलिंग भी डाल देते हैं कि मेरे साथ ऐसा गलत किया गया, उसने ऐसा नहीं बोला कि, क्योंकि उसको नहीं पता कि नल क्यों छोड़ा। आप समझने का प्रयास करना, ये रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। रिलेशनशिप में कई बार आप देखोगे क्या होता है ना, हमारे साथ कुछ अगर गलत होता है तो हम उस इंसिडेंट को बस लेते हैं और पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं उस व्यक्ति का कि उसने कितना अच्छा किया दिया है, और सिर्फ वो पर्टिकुलर इंसिडेंट प्रेजेंट इंसिडेंट पे ही हम बात करते हैं। और देखो हर एक का एक स्टोरी होता है। अगर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार किया और अचानक से कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, कुछ कारण है, पता करो क्या कारण है। दमयंती ने कहा मेरे को तो उसका पता नहीं हो क्यों उसने मेरे को छोड़ा। देखो दमयंती ने सिर्फ अपने किसको, पिता को माता को फैक्ट बताया। क्या बताया? फैक्ट बताया, अपना फीलिंग नहीं बताया कि उसने गलत किया, सिर्फ ऐसा ऐसा हुआ। दूसरा चीज समझने का, ऐसे लोगों को बताओ जो समझ सकते हैं, ऐसे लोगों को मत बताओ जो उसमें और मिर्च मसाला डाल करके हाँ हाँ अरे तुम्हारे साथ गलत हुआ अरे अरे नहीं नहीं। कुछ लोग आपका कमजोरी का फायदा उठाने के लिए आपके साथ जो हुआ उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए राइट पर्सन भी होना बहुत जरूरी है। उसने किसको बताया? अपने माता पिता को एज इट इज, और सिर्फ वहां पे ब्राह्मणों को बताया था। तीसरा चीज, राइट पर्सन के बताने के बाद देखो उसके माता पिता की मैच्योरिटी, उसने उसको स्पेस दिया। क्या स्पेस दिया? दमयंती ने कहा कि आप ब्राह्मणों को भेज करके पता करो मेरे पति कहाँ है, समझ रहे हो? अब प्रयास करना समझने का, बहुत डीप है। स्पेस मतलब देने का मतलब उसको दिया स्वतंत्रता कि हाँ भाई क्या होता है ना, जब आदमी के साथ जीवन में कुछ घटित होता है उसको एक प्रकार का सिक्योरिटी चाहिए होता है कि हाँ कोई तो है मेरे साथ, उसको जस्टिस चाहिए होता है, उसको सिंपैथी चाहिए होता है, उसको फैक्ट नहीं बताना होता है कि हाँ बेटी क्या हुआ। तो वो कहती कि स्पेस दिया राजा, उसके पिता माता पिता ने कहा अरे वो तुम्हारे साथ ऐसा गलत किया उसको छोड़ दे और चल तेरा दूसरा शादी कर देता, ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा ठीक है तुम जो करती हो मैं करूँगी, समझने का प्रयास करना। स्पेस दिया, स्पेस दिया, ये सब चीज मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप में। जब स्पेस देने के बाद दमयंती ने ब्राह्मणों को बुलाया, क्योंकि ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो कुशल भी होते हैं, उसने एक गीत लिखा, गीत बोला जो कि सिर्फ और सिर्फ नल ही समझ सकता था। वो गीत कैसे था कि
गीत मतलब कि वो प्रोस के रूप में महाभारत में लिखा है, उसको ऐसे बताया गया है कि हाँ कि जाके बोलो घूम घूम कर कि ओ जुआरी सोती हुई अबला को, मतलब कि इसको कैसे तुम छोड़ सकते हो, उसके आधे वस्त्र को फाड़ करके कैसे निकल सकते हो, ऐसे पोयम था। ठीक है, वो सिप और सिप कौन समझेगा, क्योंकि भाई अभी वो जुआरी अभी जो जुआ खेला है आधी रात को वस्त्र फाड़ करके, कोई समझेगा क्या किसका क्या चीज चल रहा है, तो वो सिर्फ नहीं समझ सकता है। तो ऐसे करके ब्राह्मणों को भेज दिए विदर्भ देश के राजा भीम ने इसके दमयंती के कहने पर, और ये पोयम के साथ सभी ब्राह्मण सब जगह निकलने लगते हैं। एक ब्राह्मण जो होता है उसका नाम होता है परनाथ, परनाथ करके ब्राह्मण, वो पहुंच जाता है अयोध्या देश, और वहां पे जब वो बोलने लगता है ऐसे पोयम को, तो वहां का राजा कहता है क्या चल रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो कोई कुछ समझ नहीं, वो वहां से भी निकलने ही वाला होता है। तभी जो वहां पे जो नल बाहुक बन करके जो हॉर्स राइडर था, ड्राइवर था, जो घोड़ों को चलाने रथ को महाराज के रथ को चलाने वाला वो बन गया था, बाहुक नाम से वो स्थिर था पर उसका रूप तो एकदम काला हो गया था। तो वो जाके परनाथ को कहता है, देखो क्या बोलता है कि ये जा करके उसको बोलना किसको, दमयंती को, क्या कि मैंने किस स्थिति में उसको छोड़ा। क्या बोला कि मैं मूर्ख हूँ, मेरे से गलती हुआ, लेकिन फिर भी उसको मेरे ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए उसको छोड़ा, दमयंती को नहीं, मतलब कि बाहुक ऐसा नहीं बोल रहा कि उस दमयंती को जो भी वो स्त्री ने पोयम, ये भी डायरेक्टली नहीं बोल रहा है बाहुक, वो भी कह रहा है कि अच्छे देश की जो अच्छी नारियां होती हैं दमयंती जैसी, जो स्त्री होती है, जो पतिव्रता होती है, उसको पति के ऊपर लांछन, मतलब कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वो जुआरी कैसे तू छोड़ दिया ये सब। क्यों? क्योंकि मैंने जब छोड़ा, मैंने मतलब वो जो व्यक्ति ने छोड़ा इसने दमयंती को, वो इसलिए छोड़ा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके साथ वो भी दुख भोगे, और उस कारण से उन्होंने उसको छोड़ा। हाँ, गलती है छोड़ने की, उसके लिए गलत है, लेकिन फिर भी उसको अपने पति से क्रोध नहीं रखना चाहिए। ऐसा बोल करके परनाथ चले गए। जब वो दमयंती के पास पहुँचते हैं कि ऐसा एक वहाँ पे मेरे को वो हॉर्स ड्राइविंग करने वाला, अश्व को चलाने वाला एक बाहुक करके मिला, जो कि बहुत एकदम वो लग रहा था, क्या बोलते हैं, काला कलूठा जैसा वो व्यक्ति, मतलब कि उतना रूपवान भी नहीं था, कुछ नहीं था, उसने ऐसे बात बोली। दमयंती बहुत इंटेलिजेंट थी, उसको क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे एक और चीज पहुंच गया, अब उसने नल का स्टोरी लाइन समझ लिया। ठीक है ना, नल का स्टोरी मतलब समझ लिया। रिलेशनशिप में यही होता है कि सामने वाले की भी स्टोरी को सुनो। उसने नल का स्टोरी समझ ली कि हाँ, नल ने गलती की और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, और दूसरा चीज उसने दमयंती को इसलिए नहीं छोड़ा कि वो मरे, वो जानता था, नल बोलता भी है कि मेरे को पता है कि वो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। नल का ऐसा स्टोरी सुनने के बाद उसने फॉरगिव कर दिया, ये कॉन्सेप्ट क्या किया, माफ कर दिया। ये दमयंती की महानता, दमयंती ने नल को माफ किया। नल को माफ करने के बाद, अभी माफ कर दिया, अब इसके बाद क्या करना आगे का स्टेप, उसके साथ उसने संबंध पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, फिर से संबंध जोड़ने का, क्योंकि गलतियां होती हैं, यही चीज है, गलतियां होती हैं, लेकिन हमें देखना होगा कैसी गलतियां हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केसेस है, पर मैं वहां पर फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट बताना कि दमयंती की महानता, उसने क्षमा कर दिया अपने पति को, और फिर से पुनः संबंध स्थापित करने के लिए वो सुदेव जो करके राजा जो पहले था ना ब्राह्मण, उसको फिर से भेजती है और कहती है कि जा करके वहां के राजा को बोलना दमयंती का स्वयंवर है। जब वहां पे पहुंचना तो बोलना कि दमयंती का कल स्वयंवर है, जब भी पहुंचे दमयंती का कल स्वयंवर है और आपको पहुंचना है। ठीक है, कल सुबह दमयंती विवाह कर लेगी, ये किसी को नहीं पता है,
सिर्फ संगंती को पता है, वो उसके राजा को मतलब कि उसके ब्राह्मण को पता है और इसकी माँ को पता है, इसने अपने पिता को भी नहीं बताया, ऐसा जाके भेज दिया। सुदेव करके जो ब्राह्मण था वो पहुँचता है और जैसे ही जब ऋतुपूर्ण से मिलता है तो वो बताता है कि कल दमयंती का स्वयंवर है। अभी भारत के नक्शा में आप देखोगे, अगर मान लो ये भारत का अयोध्या इधर है उत्तर प्रदेश में और विदर्भ महाराष्ट्र में, रात को एक दिन में आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ठीक है ना, ये चीज़ है, एक दिन में ट्रेन भी नहीं पहुँचता, वो बड़ी बात है फ्लाइट पहुँच जाता है, यहाँ से यहाँ पूरा पहुँचना है, ठीक है। अब उसको समझ में नहीं आया, अब वो कहता है कि हाँ मेरे को तो पहुँचना है, ऋतुपूर्ण कहता है पहला बार छोड़ गया, दूसरा बार तो शादी कर ही लेता था दमयंती से। जब ये बाहु को पता चलता है, नल को, तो उसको दुख होता है, लेकिन वो कहता है क्या करें। तो राजा कहता है कि तुम बहुत एक्सपर्ट हो, तुम चलो, और उसको गाड़ी लेके चल देता है। जैसे हमारे कुछ प्रभु जी लोग हैं, अगर 15 मिनट में मुरी स्टेशन पहुँचना है तो वही प्रभु जी को हम लोग याद करते हैं, प्रभु जी अब तो आप ही बचा सकते हैं, ट्रेन छूटने वाला है बस आप ही बचा सकते। तो वो प्रभु जी ऐसे गाड़ी चलाते हैं, ऐसे गाड़ी चलाते हैं, सही में 15 मिनट में पहुंचा देते हैं। हमारे यहाँ एक प्रभु जी, जब भी जरूरत पड़ती है कि अब कोई नहीं पहुंचा सकता तो हम लोग उन्हीं को याद करते हैं। तो वैसे इस फाइल्स के साथ ऋतुपूर्ण बाहु को लेकर के चलने लग जाता है, और रास्ते में जब वो इतनी तेजी से चला रहे होते हैं, ऐसा रथ चल रहा होता है जैसे मैंने बताया ना कई बार लोगों का गाड़ी वैसे निकलता है, तो वैसे निकल रहा था। जब ऐसे निकल रहा था तो अचानक से इतनी फास्ट से चल रहा था कि उतरी उड़ गया उनका, कह अरे रोको 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 उतरी, कह कि उतरी रोकने ढूंढने का टाइम नहीं है महाराज जी, क्यों उतरी हो गया 100 किलोमीटर पीछे, इतनी तेजी से चला रहा था। कहता वाह मान गया तुम्हारा ड्राइविंग को, इतना फास्ट चला रहा था। तो कहता है वहां पे एक अच्छा चीज बोलते हैं राजा, बहुत सुंदर बात बोलते हैं, ये बोलते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर चीज है, ये चीज सीखने का चीज है। कौन सा है चैप्टर, चैप्टर 72 है, 1/1 वर्ष। क्या बोलते हैं, हर एक व्यक्ति को हर एक कला नहीं आता है और हर एक चीज में वो निपुण नहीं होता है। ये कितना कॉन्सेप्ट है हमारा आज के जीवन में, अगर आप देखोगे, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के फील्ड में महान है, कोई एक्टर और एक्ट्रेस अपने एक्टिंग के फील्ड में महान है, लेकिन उनसे जाकर के आप धर्म के बारे में पूछते हो, शास्त्र के बारे में पूछते हो, और फिल्मों से आप एंटरटेनमेंट की जगह एनलाइटनमेंट लेते हो, तो आप मूर्ख हो, आप मूर्ख हैं, मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा। क्योंकि आप जाके सचिन से क्रिकेट सीखो ना कि कैसे हाँ लॉन्ग ड्राइव मारते हैं, स्क्वायर कट कैसे निकालना है, वो बताएगा, बहुत अच्छे से बताएगा। एक्टर से एक्टिंग सीखो ना, उनसे धर्मशास्त्र क्यों सीखते हो, अरे मूवी में बताया प्रभु जी, मूवी में क्या बताया, मूवी में बहुत कुछ बताते हैं, वहां एंटरटेनमेंट लो, हाँ मूवी में आनंद लो, बैठ करके कॉफी और वो पॉपकॉर्न खा करके एकदम आनंद लो, लेकिन जो बताया उसको बाद में भूल जाओ, वो एंटरटेनमेंट के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए नहीं, एनलाइटनमेंट के लिए महाभारत जैसे ग्रंथ ऋषि मुनियों ने लिखा है उसके पास पढ़ो। यही वो चीज बताना चाह रहे हैं कि हर कोई हर चीज में निपुण नहीं होता। कारपेंटर के पास जाओगे और कहोगे कि पेट का दर्द हो रहा है, वो क्या देगा है? वो भूसा दे देगा आपको। तो ये चीज होता है, हम लोग वही कर रहे हैं आज, सही में बता रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु जी मूवी में वो, प्रभु जी वो देखिए ना, वो एक्टर ऐसे कर रहा है वो, तो जाओ उसके साथ सीखो फिर। तो ये चीज है, तो इसमें ये बोलते हैं कि हर चीज में निपुण नहीं होता, मैं तुमको अपना दिखाता हूँ। भाई राजा है, उसको लगा अरे सारथी को इतना आता है, कम से कम मेरे को भी। वो कहा देखो मैं ये बताता हूँ, एक पेड़ का नाम लेते हैं, वो वृक्ष मेरे को पता नहीं है, आप अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, वो वृक्ष का नाम है कुछ तो नाम दिखाता है, मैं भूल गया कुछ तो नाम है, मैं एक वृक्ष था सामने, कहे कि मैं उसमें जैसे ये हमारे सामने भी दिख रहा है, तो इस वृक्ष में कितने शाखाएं हैं वो छोड़ो, कितने पत्तियां हैं वो तक मैं बता दूंगा। और उन्होंने बोला कि 1,10,00,000 पत्तियां हैं इस वृक्ष में। नल का अच्छा ऐसा, अब तो मैं बैठ के गिनूंगा। कहा अरे टाइम हो जाएगा, तो कहा कि ठीक है। तो एक टहनी निकालते हैं
तो कहते इसमें 102 पत्तियां हैं, गिनो। और वो बैठ करके गिनने लगते हैं, एग्जैक्ट 102 पत्ती होता है। सोचो पत्ती, एक टहनी में कितनी पत्ती हुई एग्जैक्ट बता दी। अरे आपको ऐसे कैसे पता? अरे यही तो है महानता, हर कोई नहीं जानता, ये है हमारा काउंटिंग। कहा यहाँ पे नल को मौका मिल गया, उसने कहा आपको मैं अश्व सिखा दूंगा, या अश्व का कैसे है, आप मेरे को क्या सिखा दो, ये अंक और जीव क्रीड़ा पर रहस्य। उसने कहा ठीक है सिखा देता हूँ। और नल ने वहीं पे बैठे बैठे कहा अरे लेकिन लेट हो जाओ, उसने कहा मैं पहुँचाऊँगा ना, गाड़ी नहीं छूटेगा, पहुँच जाइएगा, हम चलाएंगे ना गाड़ी। तो वो तुमको अश्व चलाने का रहस्य बता देता और नल को जीव क्रीड़ा का रहस्य सिखला देते हैं। कौन ये राजा प्रति ऋतुपूर्ण है, जैसे ही जीव क्रीड़ा हो जाता है सीख लेते हैं, कलयुग वहां से निकल जाता है, कहां से उनके हृदय से, वो तड़पने लगता है, फड़फड़ाने लगता है। और नल उसको सिर्फ नल ही देख रहा होता है, नल कहता है तुम मेरे भीतर, उसको समझ में नहीं आता है। तो कलयुग बोलता है वास्तव में, फिर वो बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या गलत किया, कैसे तुमने मतलब कि देवताओं को की जगह पे तुमको दमयंती ने चूज कर लिया था, इसलिए हम तुमको इतना पीड़ा दिए थे, लेकिन वो तुम्हारे पतिव्रता पत्नी के श्राप के कारण और ये नाग के कारण मैं बहुत जल गया, मेरे को क्षमा कर दो। और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत अब नहीं होगा। और यहाँ पे उसने कुछ वरदान दिया, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये उपाख्यान क्यों बता रहे हैं प्रभु जी, मेन लाइन पे आइए ना, कुछ लोग कह सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे ना तो ये महाभारत के स्टोरी में आप पाओगे, मूवी में कभी देखा होगा, महाभारत सीरियल में, ठीक है, आप बहुत से जो पहाड़ के पुस्तकों में भी ये महाभारत में ये स्टोरी को छोड़ देते हैं, उसका कारण वो कुछ भी हो, पर मैं क्यों बता रहा हूँ इसका कारण है, इसने एक वरदान दिया वो मैं बाद में बताऊंगा, उसका रिलेशन है युधिष्ठिर महाराज से। द्युत कीड़ा हो जाता है और मतलब कि ये सीख जाते हैं और फिर ये चल देते हैं, फिर ये पहुंच जाते हैं। और जब ये पहुंचते हैं, देखो हर का गाड़ी का पहुंचने का, कोई अगर फास्ट ड्राइविंग कर रहा है, जैसे हमारे यहाँ कुछ प्रभु जी पता चल जाता है ये प्रभु जी अभी चला रहे हैं गाड़ी, उसी तरीके से दमयंती को पता चल जाता है कि नल आ गया है। लेकिन जब वो देखता है कि अरे ये व्यक्ति तो बाहु मतलब बाहुक है, ये तो इतना काला मतलब कि इतना, क्योंकि नल तो रूपवान था, तो ये कैसे हो सकता है, उसको आशंका होता है कि कौन है। इधर ऋतुपूर्ण मिलते हैं विदर्भ राज से, विदर्भ राज कहते हैं कि भाई आप अचानक से कैसे पहुंच गए, मेहमान आवाज है, स्वयंवर रखा था। और वो देखो राजा भी बहुत स्मार्ट होते हैं, वो समझ गए यहाँ पे कोई और राजा भी नहीं दिख रहा है, ना ब्राह्मण दिख रहा है, वो कहते नहीं नहीं आप ही से मिलने आ गए थे। वो कह अभी क्या बोले भाई कि आए थे स्वयंवर के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ आयोजन ही नहीं दिख रहा है। इनको भी लगता है भीमसेन को कि एक रात में कोई आया है व्यक्ति, कुछ ऐसे ही मिलने थोड़ी ना आया था ना, क्या उसको आज मेरे से मिलाने का वो चढ़ गया है, कुछ तो कारण होगा। तो दोनों चुपचाप रहते हैं। इधर दमयंती क्या करती है, अपनी दासी को भेजती है, कहती है पता करो ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि उसको शक होता है कि शहरी में कहीं यही तो नल नहीं है, क्योंकि तो इतना तेज हाथ घोड़ा ऐसा कुछ चला नहीं सकता। वो क्या कहती है दासी को कि जाओ उसको देखो, ऑब्जर्व करो, उसको मटका देना पर पानी मत देना, अग्नि का कोई व्यवस्था नहीं देना, और ऐसे ही बस कच्चा वो देना भोजन, जिससे कि वो पकाने के लिए उसको अग्नि की जरूरत पड़ेगी, और देखना कि वो क्या करता है। दासी ने जो देखा वो बताया दमयंती, और उसने क्या देखा जो था, क्या नाम है नल, जब मटका देखा अभी उसको महाराज के लिए भोजन बनाना था, तो देखा मटका में पानी नहीं है, अभी सब्जी वब्जी धोना है, उसने इंद्रदेव को ऐसे बस उंगली, इंद्रदेव को आह्वान किया, मटका भर गया, फिर अभी पकाना है चूल्हे पे, इनका लिया बस अग्निदेव को याद किया, आग लग गया, ठीक है। उसने और भी चीज देखा कि जो माला था उसको अगर वो जैसे उससे क्रश भी हो रहा था तो वो मुरझा नहीं रहा था, ये चीज दमयंती को पता था, दमयंती को पूरा यकीन हो गया ये ना लेके, फिर भी कन्फर्म करने के लिए कह कि उसने जो भोजन बनाया वो ले गया। जब वो भोजन जो बनाए उसको टेस्ट की तो भी उसको पता चल गया, इससे पता चलता है कि नल कभी कभी भोजन नहीं बनाता था, ठीक है। और इसके बाद उसको और नहीं रह गया, कह कि एक और वो फेंकती है पासा,
अपने दोनों पुत्र, एक पुत्र और पुत्री थी ना, उसको भेजते हैं बाहु के पास। जैसे बाहु अपने बेटा बेटी को देखता है, स्वाभाविक है, पिता का प्रेम है, उभर गया, रोने लग जाता है। और ये देखकर दमयंती समझ जाती है कि ये नल है कंफर्म। यहाँ पे जब नल से वो मिलती है दमयंती, तो देखो ये चीज़ होता है कॉन्सेप्ट, मतलब कि रिलेशनशिप में क्षमा का। वो कहे कि वो, क्योंकि अभी उसको पता चल गया किस व्यवस्था में छोड़ा उसने, वो भी क्षमा मांगने लगता है। और वो कहती कि मैं समझती हूँ कि आपने जिस स्थिति में भी छोड़ा मेरे को, वो गलत तो था, लेकिन फिर भी मैं आपको क्षमा करती हूँ। ये महानता है दमयंती में, क्योंकि कई बार व्यक्ति तो वो बोलता है कि मेरा गलती है, लेकिन वो बताता है कि कलयुग के प्रभाव के कारण मैं गलती किया। वो नाम लेता है कलयुग का, लेकिन वो इससे भी अनादर नहीं करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कि मैंने गलती किया। कई बार हम गलती करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी गलती का, लेना चाहिए कोई भी कारण हो, चाहे कलयुग हो। तो साफ साफ उसका कोई गलती नहीं था, फिर भी उसने लिया। और लेकिन उसको एक मन में प्रश्न हो गया, और देखो रिवील होना चाहिए। कई बार हम सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स को, उससे क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है ना। तो जो लोग सप्रेस करते हैं वो मतलब कि एक तरह के टाइम बॉम्ब होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अब कब उनका फटेगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि हर का एक लिमिट होता है टॉलरेंस का। आज नहीं तो वो कल फटेगा ही, कितना तुम सहोगे दबोगे, सुलझाना पड़ता है। तो वो एक्सप्लोसिव हो गया, हो जाता है जो लोग सप्रेस करते हैं। और कुछ लोग होते हैं एकदम मतलब कि ब्लंडली बोल देते हैं, वो लोग सुसाइड बॉम्बर की तरह होते हैं, उसी समय मार डालते हैं। तो दोनों गड़बड़ है, ना सप्रेस करना चाहिए ना ब्लंडली बोलना चाहिए, एक्सप्रेस अच्छे से करना चाहिए। वो एक्सप्रेशन उसने बोला कि नल ने कि तुम मतलब दूसरा मतलब स्वयंवर कैसे कर सकती हो। वो कह मैंने दूसरा स्वयंवर कभी किया ही नहीं, वो तो सिर्फ आपके लिए बुलाने के लिए मैंने किया, ये आयोजन किया था। और मैं साक्षी कह करके कहती हूँ, देखो वायुदेव का साक्षी देकर मैं कहती हूँ, अगर मेरे हृदय में कभी भी किसी का, किसी भी पुरुष का भी अगर मन में कुछ ख्याल आया हो, तो मेरा अभी वायुदेव, क्योंकि हर जगह बहते हैं, वो मेरा प्राण फल लें। देखो वायु आ गया, मतलब कि हवा, हमारा पंखा चलने लग गया, ठीक है। तो ऐसा सुन करके वायुदेव उसी समय साक्षात प्रकट होकर के कहते हैं कि नल दमयंती पूरी तरीके से पतिव्रता स्त्री है। ये होने के बाद थोड़ा सा, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड में मैं बता रहा हूँ, समय भी नहीं है, नल पहुंचता है कहाँ, वहां पे वापस पुष्कर देश, और बोलता है किसको, पुष्कर को, कि चलो दौड़ लगाते हैं। ये धर्म राज धर्म है, राजतंत्र, राजतंत्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, यदि किसी ने आपका धन जुआ में हड़पा है, वास्तव में आप उसको वो चीज हड़प सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जुआ में जीता हुआ चीज वो वैध नहीं होता। तो वो जाता कहता है कि दो चीज, या तो तुम मेरे साथ जुआ खेलो पुनः पुष्कर, और नहीं तो युद्ध करो। पुष्कर कहता, अरे मैं तो सोच ही रहा था, उस बार तो दमयंती बच गई, इस बार दांव में दमयंती को भी लगाओ, तभी मतलब दमयंती को भी लगाओ। इसने कहा मैं सब लगाता हूँ, एक ही दांव खेलूंगा मैं, मेरा पूरा अभी कुछ जो भी है मेरे पास राज, मैं अपने आप को दमयंती सबको लगा रहा हूँ दांव पे, हारा तो सब तुम्हारे दास, जीता तो तुम्हारा सारा राज्य जो मेरा था वो मैं ले लूंगा। पुष्कर कहता है बहुत अच्छा, मैं तो सोच ही रहा था दमयंती के बारे में। दौड़ लगाता है, क्योंकि इस बार तो ना तो कलयुग रहता है, कलयुग अब आएगा नहीं, ना द्वापर रहता है, वो तो छल से पिछली बार जीता था उसने, उसके वो इस प्रभाव से हार जाता है पुष्कर, और नल जीत जाता है इसको पुष्कर से, और उसको मृत्यु दंड तक देना सोच रहा था। लेकिन नल कहता है कि मेरा कोई भाई रहता है उसको, और ये देखो ये कॉन्सेप्ट होता है, वो क्षमा मांगने लगता है, क्षमा मांग करके सुधरने का प्रयास करता है। तो हमारे सनातन धर्म में क्या है ना, अगर क्षमा मांग रहा है व्यक्ति और वो सुधरने का प्रयास कर रहा है, तो उसको मौका देता है। तो नल ने उसको मौका दिया, कहा जाओ तो अपने राज्य में राज्य करो, मेरे तरफ से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। और इस तरीके से नल दमयंती कि ये स्टोरी सुनाते हैं बृहदस्व युधिष्ठिर महाराज को।
क्यों ये स्टोरी सुनाया गया, क्या कारण था, ये तीन कारणों से आप सुनिए। पहला कारण, एक स्टोरी क्यों बताया गया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे मेरे से ज्यादा कोई दुखी व्यक्ति इस भौतिक जगत में है कि नहीं। बृहदस्व ने वही स्टोरी सिखाया बताया, कौन सा, जिसमें जो कि वो रिलेट कर पाए युधिष्ठिर महाराज। देखो ये स्मार्टनेस होता है एक महान प्रीचर या कह सकते हो जो ब्राह्मणों की होता है, वो ऐसा स्टोरी सुनाए जिससे आप रिलेट कर सको। दूसरा, जब आपको पता चलेगा कि आपसे भी ज्यादा किसी ने दुख भोगा तो आप स्वाभाविक है कि एक मतलब खुशी नहीं, लेकिन आपको पता चलेगा हाँ मैं ही दुखी नहीं हूँ, रिलेट किया, ठीक है। दूसरा कारण क्यों बताया, हाँ वो युधिष्ठिर महाराज को सिखाना चाह रहे थे। पहले जो मेन, उससे पहले मैं वो चीज बताता हूँ। दूसरा कारण, मध्वाचार्य जी के अनुसार, महाभारत तात्पर्य के अनुसार, जब युधिष्ठिर महाराज खेलने गए थे क्या द्यूत कलयुग के अंदर भी घुस गया था, और उस कारण से भी उन्होंने तभी अपनी रूपवती द्रौपदी का वर्णन करते हुए दाव पे लगा दिया, नल को वरदान दिया था। किसने? कलयुग ने, हाँ सबने दिया था कलयुग ने, कि जो भी तुम्हारे इस चरित्र को सुनेगा, तुम्हारे इस व्यथा को सुनेगा, उस वो कली से बचकर रहेगा। हम लोग भी सुन रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है हमको कितना श्रद्धा है, हमारा श्रद्धा सही में है कि नहीं, वो डिपेंड करता है ये चीज़ है। तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को श्रद्धा है, हमारी तरह नहीं है वो, तो जो ये सुनेगा उससे कली दूर रहेगा। बृहदस्व ने इसलिए भी सुनाया, मध्वाचार्य मतलब कि आचार्य कहते हैं ये चीज दूसरे आचार्य ने बताया कि बृहदस्व इसलिए सुनाया कि कली फिर से इंटर ना करे युधिष्ठिर महाराज अगर द्यूत क्रीड़ा खेलेंगे तो, एक कारण है इसको। तीसरा कारण, बृहदस्व ये स्टोरी सुना करके ये बताना चाह रहा अगली बार दमयंती को नल ने दाव पे नहीं लगाया था, तुम भी मत लगाना द्रौपदी को। वो बाद में भले वो जब वो जीत गया तब ये चीज एक सबक सिखाना चाह रहे थे, द्रौपदी को दाव पे मत लगाना। चौथा मेन चीज ये सिखाना चाह रहे थे, तुम भी सीखो द्यूत कीड़ा। क्या सीखो? द्यूत कीड़ा तुम भी सीखो। और यहाँ पे ही युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मेरे को भी द्यूत क्रीड़ा सीखना है, और बृहदस्व ने महाराज युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा का रहस्य बतलाया, और यहाँ से पूरा गेम अब चेंज हो जाएगा। देखो इसीलिए हमको ये नहीं समझना चाहिए कि 12 साल अरे युधिष्ठिर, कई बार हम लोग सोचते ना युधिष्ठिर महाराज अरे बड़े बेवकूफ थे वो सब, ऐसे मतलब गांधी जी जैसे टाइप के थे, कुछ करते नहीं थे वो, हमेशा क्षमा क्षमा। नहीं, महाराज युधिष्ठिर बहुत विजनरी थे, उनको पता था कि कल शकुनी फिर बुला सकता है 12 साल के बाद, और फिर 12 साल के बाद अगर युधिष्ठिर उसने धृतराष्ट्र ने बोला तो मेरे को खेलना पड़ सकता है, रेडी रहो वर्स्ट सिचुएशन के लिए। ये पहला चीज उन्होंने तैयारी कर लिया, किसके लिए? द्यूत क्रीड़ा सीख लिया कि अगली बार खेलेंगे तो मैं द्यूत से उसको हराऊंगा शकुनी को। इसीलिए बृहदस्व ने इतना नल उपाख्यान लिया, और इसलिए व्यासदेव ने बताया हर चीज स्टोरी लिंक है, इसको हम ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। सोचो ये स्टोरी महाभारत में भी आता, रामायण में हनुमान जी बोल रहे थे, तो कितना इम्पोर्टेंट ये स्टोरी है। तो इस स्टोरी से, इन सारे चरित्रों से, फिर युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध क्रीड़ा का जो रहस्य था वो बृहदस्व से सीख करके, और वहाँ से बृहदस्व जो उनका कार्य था वो करके चले गए। क्या कार्य था? युधिष्ठिर को युद्ध क्रीड़ा का रहस्य सिखलाना। जब आप धर्म में लगे रहोगे तो धर्म आपकी रक्षा करता है, जिस जान के तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म रक्षा करेगा। और युधिष्ठिर को, क्योंकि राजा है ना, कभी भी हो सकता है युद्ध, सोचो ब्राह्मण को भी द्यूत कीड़ा का रहस्य पता है, मेरे को तो यह आश्चर्यजनक लग रहा है, क्योंकि कब क्या जरूरत पड़ जाए लाइफ में नहीं पता, किस समय क्या स्किल की जरूरत पड़ जाए नहीं पता,
है बृहदस्व ने युधिष्ठिर महाराज को ये रहस्य सिखला दिया। और कल हम देखेंगे, कल तो खैर छुट्टी है, कल तो हम संडे है, मंडे को देखेंगे अर्जुन वापस आता है कहाँ से, पशुपात अस्त्र लेकर। और सबसे बड़ा प्रसंग अब होने जा रहा है, जो कि बहुत हो सकता है 2-3 दिन लगेगा, बहुत ही, जहाँ पे विजडम विंस वेयर स्ट्रेंथ फेल, जहाँ पे बल हार गया ज्ञान जीत गया, वो चीज़ हम देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अब युधिष्ठिर महाराज चेंज हो गए हैं, और युधिष्ठिर महाराज जो अब चेंज हो गए हैं, तो अब हम देखेंगे कि उनका क्या ज्ञान और धैर्य पूर्वक है। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं कि हमारे ज़िंदगी के लिए एकदम वो बदल देंगे, और रेलिवेंट है और पूरा एकदम प्रैक्टिकल वो है, एकदम अंडरस्टैंडिंग युधिष्ठिर महाराज देंगे, वो हम देखने का प्रयास करेंगे मंडे को। हरे कृष्णा। अगर कोई कमेंट है या कुछ देख लीजिए, नहीं तो फिर रुक जाइए। कोई कमेंट है नहीं? ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।